ए बी सी हमें एक एक्सप्रेशन मिली है उस एक्सप्रेशन का हमें ट्रुथ टेबल निकालना है ठीक है तो ट्रुथ टेबल निकालने से पहले जो है वो हमें इस एक्सप्रेशन को देखना है कि इसमें ट्रुथ टेबल कितने कॉलम्स और कितने रॉस में बनेगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं तीन है ए बी सी चाहिए ए बी सी हमारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि अगर डी ई एफ भी आ जाता है तो वो भी हमारे वेरिएबल्स में काउंट होता है तो यहाँ पे हमारे पास टोटल थ्री वेरिएबल्स हैं और थ्री वेरिएबल्स को हम रखते हैं टू की पावर थ्री ठीक है टू की पावर थ्री इज़ एट ठीक है तो इससे हमें पता चल जाता है कि डेसिमल ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है इसमें हमें पूरा टेबल बनाना है अब टेबल बनेगा कैसे कि सही है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं ए बी सी ठीक है ये हमारी हो गई इनपुट्स अभी हम सिर्फ इनपुट पे काम कर रहे हैं आउटपुट पे बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इसका ट्रू टेबल बनाते कैसे हैं ठीक है एक तो वो कर लेते हैं कि एक रट्टा लगा के सबको याद होता है कि अगर तीन वेरिएबल का होता है तो शुरू में चार जीरो आते हैं और एंड में चार वन आते हैं फर्स्ट वेरिएबल में और सेकेंड में जो है फिर दो जीरो दो वन दो ज़ीरो दो वन और लास्ट में जो है वो एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन एक जीरो वन ज़ीरो वन ठीक है अच्छा तो अब इसके पीछे ये जो आ रहा है ज़ीरो जीरो वन वन वट इफ़ टीचर आप लोगों से पूछें कि मुझे इसका ट्रूट टेबल बना के दिखाओ तो आप लोग कैसे ट्रूट टेबल बनाओगे अगर वट इफ़ आप लोग ये वाली लॉजिक भूल जाओ कि इसमें चार जीरो चार वन दो जीरो दो वन इस तरह से आता है ठीक है तो ये जो इनपुट्स होती हैं ना ये हमेशा उससे राइट टू लेफ्ट ना इनके ऊपर भी एक पावर आ रही होती है दैट इज इस पे जो है वो आता है टू की पावर जीरो जो कि होती है वन ठीक है इस पे आता है टू की पावर वन जो कि होता है टू इस पे आता है टू की पावर टू जो कि होता है फोर ठीक है यानी कि ये वन है टू है फोर है ये इनके कॉलम्स हैं ठीक है वन टू फोर ठीक है अब मैं इसको मिटा देती हूँ और हम शुरू से पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है मैंने स्टार्टिंग थ्री इनपुट से किया है टू इनपुट का भी देख लेंगे एंड लास्ट जो होता है वो फोर इनपुट का होता है वो भी हम देख लेंगे अच्छा तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर आ रहा है ना फर्स्ट डेसिमल नंबर क्या है जीरो है तो हम इस तीनों कॉलम में जीरो लिख देंगे ठीक है सेकेंड डेसीमल नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है वन ठीक है हमेशा याद रखिएगा डेसिमल जीरो से स्टार्ट होता है सेकेंड हमारे पास आ रहा है वन तो यहाँ पे हमारे इस वाले कॉलम में वन है तो यहाँ पे हम वन कर देंगे और यहाँ पे जीरो जीरो ठीक है क्योंकि हम सिर्फ इसका वन इस्तेमाल करें बाकी सब जीरो जीरो अब यहाँ पे टू आ रहा है तो यहाँ पे हम इस ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये टू ये टू अच्छा अब आ रहा है थ्री तो ऊपर तो हमारे पास कहीं पे भी थ्री का नंबर नहीं है तो अगर हम वन प्लस टू करें तो वो थ्री बन जाता है तो ये भी वन हो जाएगा ये भी वन हो जाएगा और ये ज़ीरो रह जाएगा ठीक है अब इसी तरह फोर तो ये वन आ गया ये ज़ीरो ये ज़ीरो फाइव तो ये वन आ गया वन पे आ गया क्योंकि फोर प्लस वन इज फाइव ज़ीरो सिक्स पे फोर प्लस टू इज सिक्स और सेवन पे फोर प्लस टू प्लस वन इज सेवन ठीक है यहाँ पे भी सेम वही बन रहा है चार जीरो चार वन दो जीरो दो वन दो, दो जीरो दो वन एक जीरो एक वन ठीक है तो इस तरह से बनता है टेबल अच्छा अब लॉजिक गेट्स क्योंकि हमेशा टेबल का हम जब भी आउटपुट निकालते हैं तो उस आउटपुट को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है उस पर कहाँ पे कौन से गेट की एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है ठीक है अब जैसे ये है ये है ए इंटू बी इंटू सी ठीक है ए इंटू बी इंटू सी तो लॉजिक गेट्स टोटल सेवन होते हैं ठीक है और उन सेवन जो हैं वो तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं ठीक है थीके? एक होता है बेसिक गेट्स सेकेंड होता है Uh, आपका यूनिवर्सल गेट्स थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गेट ठीक है तो बेसिक गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनसे सारे दूसरे गेट्स बनते हैं ठीक है तो हमारे पास बेसिक गेट्स में तीन गेट्स हैं एंड गेट और गेट और नॉट गेट यानी के एंड और और नॉट को मिला के हमारे पास दूसरे गेट्स बनते हैं जैसे कि नैन गेट हो जाता है नॉर गेट हो जाता है एक्स और हो जाता है एक्स नॉर हो जाता है तो इनकी जो एप्लीकेशन्स हैं इनकी जो ट्रू टेबल हैं इसको रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है इनके पीछे ना रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी एप्लीकेशन पे क्या काम होता है तो अब एंड गेट है एंड को अगर हम इंग्लिश में लें तो एंड जहाँ पे कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है और उससे पहले जो की होता है उसके बाद जो कीवर्ड होता है मतलब कि दोनों चीज़ों की बात की जा रही है ठीक है यानी कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी इसकी जो एल है वो ऑन होती है वरना ऑफ होती है यानी कि दोनों ट्रू हैं ठीक है जैसे पाइथन में भी जब हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड गेट का या जावा में हम एंड गेट का यूज़ करते हैं तो उस पर होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तभी ये वाली लॉजिक चलेगी वरना ये वाली लॉजिक नहीं चलेगी तो एंड गेट भी सिंपल यही है कि अगर दोनों जो हैं वो दोनों अगर हाई होते हैं तभी ये हाई होता है वरना सब पे ये लो होता है अच्छा यहाँ पे जो है मैं दो इनपुट्स की बात नहीं करूंगी मैं तमाम इनपुट्स की बात करूंगी ठीक है यहाँ पे दस इनपुट्स भी हो सकती हैं पंद्रह इनपुट्स भी हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो एप्लीकेशन सेम रहेगी अगर यहाँ पे दस इनपुट्स हैं और दस इनपुट पे जब सब वन आऊंगी तभी ये वन होगा बाकी ये सब पे जीरो होगा ठीक है तो ज़्यादा इनपुट्स की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब हमारे पास एक्सप्रेशन आती हैं कुछ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उसकी वजह से ना हमारे पास जो है फिर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेबल भी बन जाते हैं और किसी सचुएशन पर आगे हम अटक जाते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है तो ये है अच्छा तो एंड गेट में जो इसकी एक्सप्रेशन होती है दैट इज़ ए इंटू बी ठीक है इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है ए इंटू बी और ये इसका गेट है थोड़ा डी सी शेप में होता है अब जो और गेट है और गेट थोड़ा करवी से शेप में होता है और इसकी एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी ठीक है एंड गेट जो है वो ए इंटू बी है और गेट जो है वो ए प्लस बी है और गेट की लॉजिक क्या होती है और ठीक है और इंग्लिश में मतलब क्या होता है ये या फिर ये ठीक है तो इसमें क्या है कि किसी भी इनपुट पे यानी कि अगर दस इनपुट है या दो इनपुट है किसी भी एक इनपुट पे भी अगर वन आ रहा है ना तो इसका फाइनल आउटपुट वन हो जाएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे अगर जीरो जीरो है तो इसने जीरो दिया है जीरो वन पे वन दिया है वन जीरो पे वन दिया है वन वन पे वन दिया है ठीक है तो ये और की है ठीक है इनके बोलियन एक्सप्रेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कि एंड है ए इंटू और है ए प्लस बी अच्छा नॉट क्या होता है नॉट में अच्छा ये वाले जो गेट्स होते हैं ना नॉट के अलावा जो गेट्स होते हैं एंड और नन और एक्स और एक्सनोर इनमें दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होती है एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती, होती है तो नॉट क्या क्या होता है जो जैसे अगर जीरो है ना तो उसका जो आउटपुट है वो उसका इनवर्स होगा यानी कि जीरो का 1 होगा 1 का जीरो होगा ठीक है और इसका ये इसकी सर्किट डायग्राम है जो आपको नजर आ रही है और इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है दैट इज ए नॉट ए बार सॉरी सॉरी ए बार ठीक है ए बार इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है तो अभी के लिए इन तीन गेट को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है एंड गेट ए टू बी और गेट ए प्लस बी नॉट गेट ए बार तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी तो ये क्या बनता है ये सिंपल एंड गेट बनता है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे ए बी सी ये इसकी आउटपुट है तो यहाँ पे सिंपल क्या है एंड गेट की एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है तो ये जीरो जीरो है ये एक दफ़ा वन है जब सारी वन होगी तभी वन होगा जो कि एक लास्ट कंडीशन है तो सिर्फ यही वन रहेगा बाकी सब जीरो हो जाएंगे ठीक है और इसकी जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो सर्किट डायग्राम सिंपल ये जो एंड गेट है ना इस एंड गेट में यहाँ पे अभी दो इनपुट जा रही हैं यहाँ पे तीसरी सी इनपुट आ जाएगी तो ये एंड गेट बन जाएगा ठीक है आप लोगों तो को बीच में कोई बात ना समझ आए तो मेरी बात को काट के बोल देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई ठीक है अच्छा तो ये तीन लॉजिक गेट्स हमने अभी 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 तक पढ़े हैं अच्छा तो मैंने ना यहाँ पे ऐड किया हुआ है एक्सप्रेशन ठीक है तो बुलियन एक्सप्रेशन ये सिंपल ए बी सी भी हो सकती है ए बी सी प्लस बी सी भी हो सकता है ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार भी हो सकती है इसकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं और क्योंकि जो टीचर हैं वो इतनी आसान है तो कभी भी एक्सप्रेशन नहीं देंगे वो हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड देंगे सही है जैसे कि ये वाली एक्सप्रेशन को अगर हम ले लें और इसका हम अगर ट्रुट टेबल बनाए और ट्रुट टेबल के साथ इसकी सर्किट डायग्राम बनाए तो ये क्या है ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार ठीक है अब यहाँ पे कितने गेट यूज हो रहे हैं यहाँ पे तीनों बेसिक गेट्स यूज हो रहे हैं एंड गेट कहाँ पे यूज हो रहा है जब हम इसको इंटू कर रहे हैं यानी ए इंटू बी है तो ये एंड गेट है सही ए इंटू बी बार ए बार इंटू बी ये भी एंड गेट है ए बी सी ये भी एंड गेट है ए बार बी बार सी बार ये भी एंड गेट है ठीक है तो यहाँ पे चार एंड गेट है और नॉर्थ गेट कहाँ यूज हो रहा है नॉर्थ गेट यूज हो रहा है इनको बार करने में यानी बी पे भी बार है ए पे भी बार है सी पे भी बार है तो इन तीनों पे नॉर्थ गेट भी लगा है उसके अलावा यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है यानी कि ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी तो ये जो प्लस है ना इस प्लस का मतलब है कि यहाँ पे और गेट आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले इसका हम ट्रुट टेबल कैसे बनाएंगे सही है ये है कितने वेरिएबल ये तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल का सिंपल यही वाला बन जाएगा आउटपुट ये सेम नहीं रहेगी इनपुट तो सेम रहेंगी ठीक है अच्छा आउटपुट जो है उस पर हम सबसे पहले यहाँ पे ए बार है ए पे भी बार है बी पे भी बार है सी पे भी बार है तो इन ऑर्डर के हम इन वाले को एन गेट में करके अप्लाई करें तो सबसे पहले हमें इनको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है जैसे ये ए बार हो गई बी बार सी बार ठीक है और इनके बाद जो है हम फिर निकालेंगे ए बी बार निकालेंगे फिर निकालेंगे ए बार बी फिर निकालेंगे ए बी सी ए बार बी बार सी बार ठीक है तो ये सारी आउटपुट्स हमें निकालनी है अब ये आउटपुट हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे जो ए है इसी का हमें ए बार निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये इसका इनवर्स होता है तो यहाँ पे चार जीरो चार वन है तो यहाँ पे चार वन चार जीरो आ जाएंगे बी पे दो जीरो दो वन है तो यहाँ पे सिंपल इसका बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से ठीक है सी पे ये स्टार्ट होता था ज़ीरो वन जीरो वन से अब स्टार्ट होगा वन जीरो वन से ठीक है तो ये ए बार बी बार सी बार निकल कर आ गया अब हमें चाहिए ए बी बार ठीक है ए इंटू बी बार यानी कि ये वाला ए और ये वाला बी इन दोनों के बीच हमें एंड गेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसका आउटपुट लेना है ठीक है अब यहाँ पे बी बार वन वन है पर ये ज़ीरो ज़ीरो है ये यहाँ पे वन वन आ रहा है तो ये इन दो जगह पे वन आ रहा है ठीक है तो इन दो जगह पे वन वन हो जाएगा बाकी जीरो 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 ये इसकी एंड गेट की आ गई अब ये है ए बार बी यानी कि बी ये वाला सिंपल और ए बार ए बार ये आ गया हमारे पास तो सबसे पहले वन ही फाइंड कर लेते तो यहाँ पे चारों वन है और यहाँ पे दो जीरो दो वन है ठीक है यानी कि ये दो वन और ये दो वन एन की जो है वो एप्लीकेशन फ़ुलफ़िल होगा यहाँ पे वन वन ज़ीरो 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 अच्छा अब सिंपल ए बी सी आ रहा है तो ये हैं तीनों ए बी सी तो यहाँ पे जो लास्ट वाली आ रही है इसमें वन वन है उसके अलावा किसी में वन वन नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में वन आ जाएगा बाकी सब ज़ीरो 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 अच्छा अब लास्ट है ए बार बी बार सी बार यानी कि ये वाले इसमें सिर्फ फर्स्ट पे वन 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 आ रहा है बाकी सब पे जीरो जीरो आ रहा है तो यहाँ पे वन जीरो 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 अच्छा सही है अब ये सारे निकाली लेकिन अभी भी हमारी फाइनल आउटपुट नहीं आई है फाइनल आउटपुट हमारी आ जाएगी तो अब फाइनल आउटपुट हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे हमने क्योंकि ये सारी एंड की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी तो यहाँ पे हमने एंड गेट से निकाला यहाँ पे नॉट गेट यूज हो रहा था तो नॉट गेट से निकाला अब यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो इन सब को आपस में कंपेयर करना है और फाइनल आउटपुट लेनी है कंपेयर कैसे करेंगे प्लस का साइन है तो यानि कि और गेट है अब इन चारों में किसी एक भी जगह वन आएगा ना तो वो आपके आउटपुट पे वन है जैसे ये आ गया वन जीरो वन ठीक है ये फाइनल आउटपुट है अब इसकी सर्किट डायग्राम भी हम देख लेते हैं एक मिनट Uh, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे जरूर बताइएगा हो सकता है कि मैं सही ना बता रही हूँ आप सही से समझ रहे हो कहीं पे जीरो था। one, सही है। जीरो। वन। वन वन जीरो ठीक है कहीं पे लगता है कोई मिस्टेक हो तो रही है तो ज़रूर बताइएगा अच्छा इसकी एक्सप्रेशन है ए बी बस यहाँ पे हैं टोटल एक दो तीन चार चार एंड गेट हैं तो पहले हम चार एंड गेट ले आते हैं दो इनपुट के एक दो तीन, चार, ठीक है और एक हमारा और गेट लगेगा और तीन हमारे नॉट गेट लगेंगे ठीक है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कब आपको एक तो सबसे पहले वो करना पड़ता है कि आपको कितने गेट्स कितनी दफा लगाने हैं अच्छा जो हम सर्किट बोर्ड पे बनाते हैं ना तो उस पर तो एक एक गेट की एक आईसी लगाने पे ही हम उसको चार दफा इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो हर उसके लिए एक अलग से गेट इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है अच्छा आ, ये है ए ए बार ठीक है ये हो गया ए बी बार ये थोड़ा सा ना सही नहीं बनता इस पर सर्किट तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा ए बार बी ये आपका आ गया ए बार और बी सिंपल है ये बी है और ये ए है अच्छा ए बी बार ए बार बी ए बी सी ए बार बी बार सी बार अच्छा ये तीन इनपुट्स के लगेंगे एंड ये थ्री इनपुट ये हो गया ए बी बार ये हो गया ए बार बी तीसरा है ए बी सी सिंपल ये ए बी सी ऐसे ही रहेगा आ, या इसके लगा देते हैं ए जो था वो हमारा दिस था हाँ ये ए है बी हमारा ये है और सी हमारा ये है ठीक है अब आ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये कोई मल्टी सिम है डॉट कॉम तो नोट कर लो आ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बैंक जो सॉफ्टवेयर है वो चलता नहीं है तो ये मैंने ऑनलाइन ढूंढा था तो इसी से चल रहा है अच्छा ये आ गया आपका सी बार ए बार जो है वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है तो उसी से हम एक लाइन ले लेंगे ये है हमारा ए बार से लाइन ले ली और ये है हमारा बी बार बी बार से लाइन ले ली ठीक है ये पूरा कंप्लीट हो गया और अब इन सबको हम सिंपल Uh, एक ऑर्गेट में लगा देंगे ऑर्गेट आई थिंक हमारे पास चार इनपुट की होनी चाहिए ठीक yeah. है ये एक आ गया वो था ए बी बार ये था ए बार बी और ये जो है ये है सिंपल ए बी सी और दिस वन है ए बार बी बार सी बार ठीक है तो ये इसकी कंप्लीट हो गई सर्किट डायग्राम ठीक है सर्किट डायग्राम हर किसी का बनाने का अपना तरीका होता है uh, मैंने इस तरह से बनाई है आप आई थिंक कोई और अप्रोच यूज करते होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए कि आप किस तरह से वायर्स को मिला रहे हो ये एक अलग चीज़ है लेकिन आप सही मिला रहे हो ये मेन चीज़ होती है ठीक है कुछ की सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा मेस्टअप भी होती हैं कुछ की सही होती हैं जैसे ये वाली ना थोड़ी सी मेस्टअप हुई हुई है तो आप अगर कॉपी पेज पे बनाओ तो थोड़ा और सही से बनाना जैसे मैं एक दिखाती हूँ जैसे ये देखो यहाँ पे ए लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया यहाँ पे सी लिख दिया और फिर इन्हीं से ये लेते गए इनपोर्ट्स वाइज यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन आता नहीं है कि सिंपल ए बी सी को हम ले लें तो सर के डायग्राम यही होती है ज्यादा बड़ी हो या ज्यादा छोटी हो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतनी अच्छी डायग्राम बनेंगी Uh, एक असाइनमेंट वो है असाइनमेंट नंबर टू है जिसके अंदर फंक्शन हैं उसके अंदर जो असाइनमेंट uh, टू का जो क्वेश्चन नंबर टू है ना जिसमें है एक्स क्यूब का तो उस एक्स क्यूब की जो सर्किट डायग्राम है ना अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वो वाली सर्किट डायग्राम बनाना वो बहुत बड़ी सर्किट डायग्राम है लेकिन उससे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अच्छा तो uh, सही बुलियन एक्सप्रेशन uh, ये थी इससे हमने देख लिया कि एक सर्किट डायग्राम कैसे बनती है अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ना स्टेप्स में भी हर चीज लिखी हुई है कि सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है एक्सप्रेशन मिल जाती है उसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है हाँ लास्ट में सबको एक और गेट से अटैच करना होगा क्योंकि सब में जो है वो प्लस आ रहा था देखो अगर कहीं पे प्लस ना आ रहा होता कुछ और आ रहा होता तो फिर हम कोई और गेट लगा दे। लेकिन यहाँ पे ये जितनी भी एक्सप्रेशन हैं ये सारे एंड हैं और एंड जो हैं वो आपस में प्लस हो रहे हैं तो यानी कि सारे एंड गेट को हमने लगा देना है एक और गेट में और गेट की बुलियन एक्सप्रेशन होती है प्लस की तो हमने उन सबको एक और में लगा देना है तो दैट्स इट अच्छा जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रही है दैट इज़ ए बी प्लस बी सी इन टू बी प्लस सी ठीक है अब ये वाली ना थोड़ी सी डिफरेंट वो है एक्सप्रेशन तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इन सबको ना आपस में डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जैसे ए बी को अलग ले लेंगे बी सी को अलग लेंगे बी प्लस सी को अलग लेंगे ठीक है तो ए बी क्या है ये हो रहा है ए इन बी तो यानी कि यहाँ पे ए लिया बी लिया और एक सिंपल एंड गेट लगा दिया ये टू इनपुट का एंड गेट लग गया ये बन गया आपका ए बी अब यहाँ पे हम ले, ले लेते हैं बी और सी बी और सी क्या हो रहा है बी इंटू सी हो रहा है तो यहाँ पे हम सिंपल वही टू इनपुट का गेट लेंगे जो कि ये है यहाँ पे जो है क्या किया है बी की लाइन यहीं से ले ली और सी की लाइन सॉरी सी की लाइन यहीं से ले ली तो ये बन गया आपका बी सी बी सी ठीक है अब बी प्लस सी को भी करेंगे बी प्लस सी ठीक है यहाँ पे ये बी इंटू सी था ये है बी प्लस सी ये B टू सी था तो यहाँ पे एंड गेट बनाया है ये B प्लस सी है तो ये इसको क्या किया है और गेट किया है तो यहाँ पे सिंपल एक और गेट लगा दिया और गेट में B को ऐड कर दिया C की इनपुट ले ली और ये आपका आ गया B प्लस सी अब इस पर थोड़ा सा गौर करें कि ये B प्लस सी इंटू बी प्लस सॉरी बी सी इंटू बी प्लस सी है ठीक है तो यानी कि ये दोनों इनपुट भी ये दोनों आपस में एंड गेट हो रहे हैं तो इन दोनों की जो आउटपुट आ रही है ना उन आउटपुट को हम एक एंड गेट में कर देंगे ठीक है इन तीनों को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे ए और बी को हमने एक एंड गेट दे दिया कि ये ए इंटू बी है बी इंटू सी को एक एंड गेट दे दिया बी प्लस सी को एक और गेट से बना दिया अब ये जो है बी सी इंटू बी प्लस सी था तो इन दोनों को एक एंड गेट के अंदर कर दिया इनकी यानी कि बीसी के आउटपुट और बी प्लस सी के आउटपुट इन दोनों को एक एंड गेट के अंदर कर दिया तो ये पूरी एक एक गेट में ये पूरा आ गया एक गेट में ये पूरा आ गया और इन दोनों के आउटपुट को फिर क्या कर दिया एक और गेट से मिला दिया और गेट के अंदर क्यों किया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था ठीक है तो ये छोटी सी एक्सप्रेशन थी लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी अच्छा आँ... अब जो है वो है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ये एक अलग एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस ए इंटू बी बार प्लस सी बार ठीक है तो ए बी सी जो है वो तो सिंपल ऐसे ही लगा दिया अच्छा इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा नहीं सही है अच्छा ए बी सी को थ्री इनपुट एंड गेट में लगा दिया जो कि ये आ गया ठीक है अब यहाँ पे है ए बी बार सी बार ठीक है यहाँ पे क्या किया है सबसे पहले बी बार प्लस सी बार को सॉल्व किया है ठीक है वो इस तरह के बी पे बार है सी पे भी बार है तो यहाँ पे एक नॉट गेट बी पे लगा दिया एक नॉट गेट सी पे लगा दिया और इन दोनों नॉट गेट की जो आउटपुट आई है यानी कि बी बार सी बार उसको एक और गेट में लगा दिया और गेट में क्यों क्योंकि ये प्लस हो रहा है ठीक है प्लस हो रहा है तो उसको एक और गेट में लगा दिया अब ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है ए इंटू बी बार प्लस सी बार तो ए को लेके और जो इस पूरे की आउटपुट आई थी उसको एक एंड गेट में कर दिया और फिर ए बी सी और ए इंटू बी बार प्लस सी बार को एक और गेट में लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये पूरी सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई अच्छा अब एक और है ये है ए बार सॉरी ए बार नहीं है ए बी प्लस सी बार इन टू डी और इन पूरे का जो है वो होल बार है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी ले लेंगे फिर उसको सी के साथ करेंगे फिर इन टू डी कर देंगे और फिर उस पूरे का हम बार ले लेंगे ठीक है तो अब ये कैसे पॉसिबल है सिंपल ए और बी का हमने पहले एंड गेट ले लिया अच्छा अगर मीटिंग एंड होना तो यही वाला लिंक जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लेना ए और बी को एक एंड गेट में रखा जो कि ये पूरा एंड गेट बन गया ठीक है प्लस सी बार बार है तो पहले सी पे बार लगाया इन नॉट गेट से और इन ओ, वो ए बी के आउटपुट को और सी बार को एक एंड गेट में नहीं सॉरी और गेट है ये थोड़े से डिफरेंट शेप आ रही है इससे तो ये और गेट हो गया और फिर जो है क्या किया है इस इस पूरे को इनटू करवाया है डी से यानी कि एंड गेट तो इसकी आउटपुट को और डी से एक इनपुट को लेके एंड गेट कर दिया और जो है वो पूरी एक्सप्रेशन क्या बन गई दिस बन गई अब हमें इस पूरे का होल बार चाहिए होल बार के लिए क्या कर दिया एंड में जो इसकी आउटपुट आई थी उस पर एक इन्वर्टर लगा दिया इन्वर्टर लगाने से वो होल बार बन गया ठीक है तो ये तीन थी Uh, अगर अभी भी सर्किट डायग्राम क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो मैं फिर डिफरेंट अप्रोच यूज़ करके समझा दूँगी सही है क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं अच्छा अब ट्रुट टेबल है तो ट्रुट टेबल हमने देख लिया कि कैसे बनता है ठीक है कि ये एक्सप्रेशन है तो इसका ट्रुट टेबल कैसे बनाए पहले ए बी सी निकाला है फिर बी सी निकाला है और फिर ये निकाला अच्छा और ये ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी है तो इसका पहले ए बार निकाला बी बार निकाला सी बार निकाला सिंपल ए बी सी लिया जो कि एंड में वन वन आया तो इसका वन हो गया ए बार बी बार सी बार में फर्स्ट पे ही वन वन आ गया तो ये वन हो गया इन दोनों को ऑर्गेट करा दिया तो फर्स्ट पे वन आया लास्ट पे वन आया बाकी सब पे जीरो आया अच्छा अच्छा एक बात ना ध्यान रखना कि ऐसा सिर्फ एक दफा होता है कि सारी इनपुट वन हो और सारी इनपुट ज़ीरो हों ठीक है सिर्फ़ एक दफ़ा होता है एक ही दफ़ा सारी इनपुट्स वन होती हैं एक ही दफ़ा सारी इनपुट ज़ीरो होती हैं अच्छा ये हो गई। टेबल ना समझ आए तो बीच में रुक के जरूर बोल देना कि नहीं समझ आया ताकि मैं दोबारा समझा दूँ दो। अच्छा अब इन्होंने वही कहा है कि एक एक्सप्रेशन दी है और कहा है कि इसका ट्रुट टेबल भी बनाओ सर्किट डायग्राम भी बनाओ तो ये ए बार बी सी प्लस ए बी सी है तो सबसे पहले यहाँ पे बार जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आया है तो बार जब भी आप स्ट्रुट टेबल बनाने लगो ना तो हमेशा ध्यान में रखा करो कि सबसे पहले बार देखा करो कि किस किस पे बार आया हुआ है तो सारे बार्स को निकालो और फिर एक एक करके ना एक्सप्रेशन को तोड़ के उसको बनाओ ठीक है ए बार बी सी का एक जगह वन आया क्योंकि यहाँ पे वन था और यहाँ पे वन था ठीक है वन वन तो वन आया ए बी सी में लास्ट पे वन वन आया तो ये वन हो गया अब जो आउटपुट आई है वो और गेट है यानी कोई भी एक वन होगी तो वो आउटपुट वन दे देगा तो ये वन आया तो यहाँ पे वन हो गया यहाँ पे वन आया यहाँ पे वन हो गया दो दफ़ा वन हो गया और बाकी अच्छा ट्रुट टेबल हम बनाते क्यों हैं सर्किट डायग्राम तो चलो समझ आती है कि हम क्यों बनाते हैं लेकिन हम ट्रुथ टेबल क्यों बनाते हैं ट्रुथ टेबल हम इसलिए बनाते हैं कि जो सर्किट डायग्राम हमने जो बनाई है ना तो ये बेसिकली सिर्फ सर्किट डायग्राम तक लिमिट नहीं होता हम जो उसके ब्रेड बोर्ड बनाते हैं ना वो ब्रेड बोर्ड बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं ये सारी लॉजिक्स ये सारी आई गेट्स तो ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं देखने के लिए कि कौन सी कंडीशन पर जो है वो एल ई ग्लो करती है अगर हम टेबल ना बनाए तो हम सिर्फ तुक्के लगाते रहेंगे कि ये वाली इनपुट हमने ये की है ये की है अब देखो ये इसका फाइनल आउटपुट क्या है वन आया है तो हम इन सब पे नहीं देखेंगे हम ये जो सब कुछ हम लिखते हैं ना ये सिर्फ हम फाइनल आउटपुट लाने के लिए लिखते हैं जब हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाता है तो हम बस इस पर गौर करते हैं और हम अपनी इनपुट्स पर गौर करते हैं कैसे यहाँ पर वन आया है ना तो कंडीशन क्या है कि ए ज़ीरो होगा यानी कि नेगेटिव होगा बी और सी जो है वो पॉजिटिव होंगे तभी हमारा ये एल ई डी ग्लो करेगी वरना ग्लो नहीं करेगी उसके अलावा अगर हमारे ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे तो एल ई डी ग्लो करेगी वरना एल ई डी ग्लो नहीं करेगी तो इसलिए हम बस ट्रुटेबल बनाते हैं इतनी सी चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारी किस कंडीशन पे एल ई डी ग्लो करती है किस कंडीशन पे नहीं करती ठीक है अब इसका जो है वो आ, ये वाला जो है ना वो ये हमारा है प्रैक्टिकल नंबर फोर जो कि हमसे सर ने बनवाया था तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज़ की हुई है यहाँ पे जैसे हम बना रहे थे ना तो हमने यहाँ पे सिंपल तीन इनपुट एंड गेट यूज़ कर लिया थ्री इनपुट फाइव फोर इनपुट और गेट यूज़ कर लिया अब ये सर्किट डायग्राम इस तरह से इसलिए बनी हुई है कि हम इन रियल जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे थे ब्रेडबोर्ड से और जो हम ब्रेड बोर्ड से कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो टू इनपुट की आई थी ठीक है ध्यान में रखना टू इनपुट आई अलग होती है थ्री इनपुट आई अलग होती है फोर इनपुट अलग होती है फाइव इनपुट अलग होती है हमारे पास जो अभी एपरेटर्स में है वो सिर्फ टू इनपुट की है ठीक है जीरो टू थ्री थर्टी टू और जीरो फ, एट तो अब यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे ना थ्री इनपुट्स यूज हो रही हैं तो उन थ्री इनपुट्स को हमने टू इनपुट के आई से कैसे किया है ठीक है ये वाला सवाल बहुत अच्छा है जो कि टीचर हमसे पूछ सकती हैं कि आप इमेजिन करो आप कोई सर्किट डायग्राम किसकी बनानी है ए बार बी सी प्लस ए बी सी लेकिन आपके पास थ्री इनपुट आई है ही नहीं आपके पास सिर्फ टू इनपुट आई है तो आप टू इनपुट आई से कैसे बनाओगे बहुत सिंपल है सबसे पहले ये जो ए बार बी सी आ रहा है इसको अलग कर देंगे ए बी सी को अलग कर देंगे अलग कैसे करेंगे सबसे पहले ए पे बार लगाएंगे फिर बी को उसके साथ एक एंड गेट कर देंगे फिर उसकी आउटपुट को सी के साथ एक एंड गेट कर देंगे सही है तो यहाँ पे यूज़ तो चार एंड गेट हो रहे हैं सही है अब देखो ए पे बार लगाया यहाँ से और फिर जो है एक एंड गेट के अंदर ले गए ए बार बी और फिर बी को यहाँ पे कर दिया मतलब उसकी आउट सॉरी बी और ए बार बी ठीक है अब इसकी आउटपुट और सी को एक एंड में गेट में कर दिया तो ये क्या बन गया ए बार बी सी अच्छा अब इसी तरह से दूसरी है ए बी सी तो उसमें क्या किया है एक लिया बी लिया और ए बी एक एंड गेट में कर दिया ठीक है अब सी को लिया और इसकी आउटपुट को लेके एक एंड गेट में कर दिया और फिर इन दोनों की आउटपुट को एक और गेट में कर दिया तो हमारी ये पूरी एक्सप्रेशन आ गई ठीक है अब इसमें एल ई ग्लो कब करेगी जब तीनों इनपुट्स पॉजिटिव होंगी या फिर ए नेगेटिव होगा और बी और सी पॉजिटिव होगा तो इसकी इनपुट जो है वो ग्लो करेगी एल ई ग्लो करेगी ठीक है अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वो एक और क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी प्लस ए सी बार प्लस ए बी डी बार प्लस ए सी डी ठीक है इसका ट्रु टेबल सिंपल आपने सबसे पहले फ़ाइंड आउट किया कि बार किस किस पर है सी पे बार है डी पे बार है तो सबसे पहले सी का बार निकाले डी का बार अच्छा ये देखना कि ये जो है ना इसमें चार वेरिएबल्स आ रहे हैं ए बी सी डी टू की पावर फोर रखी आंसर आया सिक्सटीन तो यहाँ पे डेसिमल नंबर जीरो से लेके फिफ्टीन तक आएगा ठीक है तो इसकी ट्रिक यही होती है आठ ज़ीरो आठ वन चार ज़ीरो चार वन चार ज़ीरो चार, चार वन दो जीरो दो वन दो ज़ीरो दो वन दो जीरो दो वन एक ज़ीरो एक वन ठीक है और अगर डेसिमल नंबर देखें तो यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है फोर है सिक्सटीन है ठीक है तो इस तरह से ये सॉरी सिक्सटीन या एट है वन टू फोर एट ठीक है 1, 2, 4, 8, तो इसी तरह से अगर टेबल uh, ख़ुद से भी ट्राई करनी है तो सिक्सटीन बेड का करके देख लेना टू बेड का थ्री बेड का जिसका भी करके देख लेना अच्छा अब यहाँ पे आ गया सी बार निकाल दिया सबसे पहले डी बार निकाल दिया फिर ए सी बार निकाल दिया ठीक है इन कंडीशंस पे वन वन आ गया ए बी डी बार निकाल दिया दो कंडीशंस पे वन वन आ गया ए सी डी निकाल दिया दो कंडीशंस पे वन वन आ गया ए बी सी डी निकाला तो एक पे आ गया ठीक है और गेट पे इतनी सारी कंडीशंस पे हमारे पास ये वन लेकर आ रहा है ठीक है सर्किट डायग्राम इसकी नहीं बनी हुई है लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इसकी सर्किट डायग्राम ज़रूर बना के देख लेना या अभी चाहते हो कि मैं बना दूं तो मैं इस पर बना के दिखा दूँगी नहीं चाहते तो सही है फिर मैं नहीं बना के दिखाती अगर चाहते हो तो बता दो नहीं भी चाहते तो वो भी बता दो सही है अच्छा तो अभी तक यहाँ तक समझ लो कि हमारे कितने चार चार लेक्चर्स कंप्लीट हो, हो गए हैं हमारे पास टोटल नौ लेक्चर्स हैं जिनमें चार लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं ठीक है एक्सेप्ट फॉर डिमोगन्स लॉ डिमारगन्स लॉ और एडर्स वाला टॉपिक मुझे नहीं आता तो उसके अलावा मैं शुरू से एंड तक पढ़ा दूँगी तो ये पूरे चार लेक्चर्स कम्प्लीट हो गए हैं ठीक है एक्सप्रेशन मिलेगी एक्सप्रेशन की टेबल बनाना है उसकी सर्किट डायग्राम बनानी है यही है ठीक है अच्छा अब आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा अ, लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा तेज जा रही हूँ तो वो भी बता देना मैं स्लो डाउन कर दूँगी ओ सामा पढ़ा देगा हाँ बिल्कुल पढ़ा दे अच्छी बात हो जाएगी अच्छा टॉपिक है सम ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है ये सारा तो मैं पढ़ के नहीं बता रही मैं इसकी उर्दू बता रही हूँ ठीक है सम ऑफ़ द प्रोडक्ट अभी तक हमने जितने भी एक्सप्रेशन किए ना वो सब सम ऑफ़ द प्रोडक्ट थे ठीक है सम ऑफ़ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है ये प्रोडक्ट हो रही हैं आपस में ए इंटू बी बी बार इंटू सी ए इंटू सी ये प्रोडक्ट है इन प्रोडक्ट का सम करना इट्स कॉल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है यहाँ पे ना एक पॉइंट ये भी मेंशन हुआ है कि एंड गेट को ऐड कर कराते हैं और गेट में ठीक है ऐड और गेट का मूल्यन एक्सप्रेशन क्या है प्लस ठीक है तो प्लस का मतलब ये ऐड कराना सम कराना तो एंड गेट को जो है वो हम सम कराते हैं तो वो बन जाता है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है एंड गेट का सम कराना इज सम ऑफ द प्रोडक्ट तो यहाँ पे ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी ये आपकी सम ऑफ़ दि प्रोडक्ट है ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी ये भी सम ऑफ ये तमाम सम ऑफ़ द प्रोडक्ट हैं और अभी हमने ऊपर जितनी भी एक्सप्रेशनस की हैं वो तमाम सम ऑफ़ दि प्रोडक्ट्स थी प्रोडक्ट ऑफ द सम हमने अभी तक एक भी नहीं की है ठीक है अच्छा अब है कि सॉप को आप ट्रिट टेबल में कैसे लिखते हैं ठीक है, है? सॉप को टेबल में कैसे लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन दी हुई है ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी ठीक है तो ये जो तो वन होते हैं ना वन से डिनोट होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है वन से डिनोट होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ द सम होता है वो जीरो से डिनोट होता है अगर आप इसी टेबल को लो तो जहाँ जहाँ वन आया हुआ है वो आपकी सम ऑफ द टर्म है और जहाँ जहाँ ज़ीरो आया हुआ है वो आपका प्रोडक्ट टर्म है ठीक है यानी कि पॉस्ट टर्म है और वन जो है वो आपकी सम टर्म है तो यहाँ पे भी यहाँ पे ना टेबल बहुत छोटा सा लिखा हुआ है ठीक है अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो फिर ये वैसे ही सॉल्व होगा सी का बार निकालो बी का बार निकालो ए का ठीक है ए बी सी तीनों का बार निकाला फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सॉल्व की ए बी सी बार पे फिर ए बी बार सी पे और ए बार बी सी पे हाँ ऐसे ही है और फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया वन आया तो यानी कि ये आपके प्रोडक्ट ऑफ सम बनी है अच्छा अब इसके अलावा ये इसका ना पूरा प्रोसीजर है कि ये आपको एक वो मिली है सौप मिला है ठीक है और इस एक्सप्रेशन मिली है बुलियन एक्सप्रेशन और कहा गया है कि इसको सबसे पहले इक्व ए वैलेंट सॉप में करो ठीक है इक्व ए वैलेंट सॉप में करने के बाद ट्रूथ टेबल से इसका आउटपुट लो और फिर लॉजिक डायग्राम बनाओ ठीक है तो इसका इस स्टेप से क्या मतलब है कि इसको इक्वेलेंट सॉप में करो ठीक है इससे यह मतलब है कि ये जो है ना ये आप बीच में जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना ये ब्रैकेट्स ना आए इसको तोड़ दो मतलब कि ये जो ए बार है ना ये ए बार बी बार सी से भी वो होगा मल्टीप्लाई होगा बी सी से भी मल्टीप्लाई होगा और बी सी बार से भी मल्टीप्लाई होगा तो इसकी टर्म बन जाएगी ए बी सी तो ये लास्ट वाला था ठीक है और फिर ये आ गया ए बार बी बार सी ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार ठीक है तो ये इसकी पूरी सॉप बन जाएगी सॉप बनने के बाद इसका ट्रू टेबल है ठीक है इसका पूरा ट्रुट टेबल निकाला है ट्रुट टेबल के बाद इसकी सर्किट डायग्राम बना दी है ठीक है सर्किट डायग्राम क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वन टू थ्री फोर हमारे यहाँ पे चार एंड गेट लगेंगे तीन नॉट गेट लगेंगे और एक और गेट लगेगा ठीक क्युं? है, like, है, तो है तीन नॉट गेट क्यों क्योंकि ए बी सी जितने वेरिएबल्स हैं लाइक तीन वेरिएबल्स हैं तो तीनों वेरिएबल्स पे बाहर है तीन नॉट गेट हो गए चार एंड गेट हो गए क्योंकि चार उसमें वो डिवाइडेड है और एक और गेट हो गया क्योंकि वो सारे प्लस हो रहे हैं यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट है तो पहला तो ए बी सी था वो सिंपल ए बी सी एंड गेट कर दिया दूसरा ए बार बी बार सी था तो ए बार ली, A, A की input, वो ए की वायर एक के हाथ से लेके इसको बार कर दिया और एंड गेट में कर दिया बी की वायर लेके बार करके एंड गेट कर दिया सी की वायर लेके उसको एंड गेट कर दिया तो ये बन गया ए बार बी बार सी इसी तरह से ए बार बी सी बन गया ए बार बी सी बार बन गया और इन सब की आउटपुट को और गेट में कर दिया तो ये पूरा बन गया अच्छा ये था ये पूरा आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट था ठीक है और अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट का बिल्कुल उलट है ठीक है वहाँ पे जो है हम इन करके फिर एंड में उसको प्लस कर देते थे, थे। यहाँ पे प्लस करके एंड में इंटू करते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द सम वहाँ पे प्रोडक्ट टर्म जो थी उसको हम सम करा रहे थे यहाँ पे जो sum टर्म है उसको हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं जैसे और ये ना हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं ठीक है ये हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं तो एक इसमें आ गया ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस सी ठीक है ये दूसरी भी यही है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी बार प्लस सी बार तीसरी भी यही है ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस सी ठीक है ये सारी एग्जाम्पल्स हैं पॉस की के पॉस कैसी दिखती हैं ठीक है थीके? अब इतना ये दिमाग में हो जाता है कि हम जैसे ही कोई टर्म देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पॉज है या सम है मोस्टली सॉप यूज़ होती हैं पॉज थोड़ा कम ही यूज होती हैं हाँ पॉज में रिपीट कर देती हूँ अच्छा सम ऑफ द प्रोडक्ट में हम क्या करते थे कि जो प्रोडक्ट टर्म्स होती थी उसका सम करते थे यानी कि ए इंटू बी इज अ प्रोडक्ट टर्म और बी इंटू ए इज अ प्रोडक्ट और इन दोनों को आपस में सम करा देते हैं यानी कि एक्सप्रेशन बन गई B B ये आपका बन जाता था द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम इसका बिल्कुल उलट है कि आप पहले सम करते हैं वेरिएबल्स को और फिर जो लास्ट होता है वो उसका प्रोडक्ट करवाते हैं ठीक है ऐसे यहां पर है ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस सी ठीक है या आपस में क्या हो रहे हैं इन टू हैं वहाँ पे हम आ, आ, सारे एंड गेट की करके उसको एक और गेट में कर देते हैं यहाँ पे सारे और गेट के करके उसको एंड में एक एंड गेट में कर देते हैं ठीक है तो ये आपका आता है पॉज ब्रैकेट्स हमेशा लगते हैं ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं कि उसको डिनोट कर सकें कि ये मल्टीप्लाई में आ रहा है प्रोडक्ट में आ रहा है ठीक है तो इसका जो है अब देखो वहाँ पे हम वन को गेट कर रहे थे यहाँ पे हम जीरो को गेट कर रहे हैं ठीक है ये ज़ीरो ज़ीरो जीरो ठीक है तो यहाँ पे हम ज़ीरो को ले रहे हैं सम सॉप हमेशा वन से रिप्रेजेंट होता है पॉज हमेशा ज़ीरो से रिप्रेजेंट होता है इसको थ्योरी पढ़ के ही इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर नहीं होता है इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैं आज तक तो गलती करती हूँ सॉप पॉज निकालते हुए मैं हमेशा जीरो की जगह वन लिख देती हूँ तो इस गलती को पेपर में क्योंकि अगर करेंगे ना तो वो तो पूरा ही कट जाएगा क्योंकि आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा तो इसका डिफरेंस हमेशा याद रखना सॉप हमेशा वन से रिप्रेजेंट होता है पॉज हमेशा ज़ीरो से रिप्रेजेंट होता है तो इसी की सिंपल एक यहाँ पे आई हुई है कि ये वो है टर्म है इसका पहले ट्रिटेबल बनाना है और फिर इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है टेबल इसका जीरो मेंशन करके बन गया और ये आगे इसके लॉजिक डायग्राम वहाँ पे हम सारे एंड गेट यूज करके उसको एक और गेट में करते थे यहाँ पे हम सारे और गेट यूज करके उसको एंड गेट के अंदर करते हैं ठीक है तो ए बार बी सी तीनों इनपुट कहीं एक और गेट में किया ए प्लस बी प्लस सी था प्लस था ना तो इसलिए और गेट कर दिया दूसरा है ए बी बार ए प्लस बी बार प्लस सी तो जो ए है उसको सिंपल ले लिया बी पे हमने बार लगा दिया सी सिंपल ले लिया और ये और गेट बन गया इसी तरह से ए बार प्लस बी प्लस सी बार हो गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार हो गया और इन सबको एक एंड गेट में कर दिया तो ये इस तरह से बन गया ठीक है तो सॉप और पॉस यहीं तक था इससे आगे नहीं है कुछ भी uh, कोई कन्फ्यूजन है कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो नहीं तो हम फिर कार्ड ऑफ मैप स्टार्ट करेंगे ठीक है अच्छा कार्न ऑफ मैप सबको एक आइडिया है कार्न ऑफ मैप दिखता कैसे है टेबल बनता है सेल्स बनते हैं उसके अंदर हम वन डालते हैं ज़ीरो डालते हैं ग्रुपिंग करते हैं लेकिन कार्न ऑफ मैप का एक रूल है कि स्टार्ट करने से पहले ना कार्न ऑफ मैप की जो टर्म्स आती हैं ना उसको स्टार्ट करने से पहले आपकी जो एक्सप्रेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ठीक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है स्टैंडर्ड सॉप होता है और दूसरा ही स्टैंडर्ड पॉज होता है यानी कि सॉप और पॉज जिसमें भी एक्सप्रेशन आ रही है वो दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ठीक है तो हमें पता कैसे चलता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ठीक है अभी मैं सॉप बता रही हूँ सॉप के बाद पॉज बढ़ेंगे ठीक है तो सॉप किस तरह से, से होती है जैसे ये आ गया ए बी प्लस जी ये हमें एक्सप्रेशन मिली है कि इसका कर्न ऑफ मैप बनाओ ठीक है तो हमें सबसे पहले देखना है कि कर्न ऑफ मैप बनाने से पहले कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ठीक है ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें पता कैसे चला कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं ए बी सी डी चार वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं अब ये जो आपकी जितनी भी टर्म्स बन रही हैं ना इसमें सब में ये चारों के चारों वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए ठीक है फर्स्ट में ए बी है लेकिन सी और डी नहीं है सेकंड में सी और डी है लेकिन ए और बी नहीं है ठीक है तो हम इसको बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का भी एक तरीका होता है वो तरीका कैसे होता है कि हमें जो है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ठीक है ए और बी को ठीक है अब ए और बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे इसके साथ सी और डी लगाएंगे ठीक है लेकिन सी और डी की सारी कंडीशंस लगाएंगे यानी कि ये बार में भी आना चाहिए दोनों बार में आए दोनों प्लेन आए एक पे बार आए एक पे बार नहीं आए और याद रखिएगा जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं पे बार लगाएंगे जो पहले से वेरिएबल्स हैं उनको हम छेड़ेंगे भी नहीं हाथ भी नहीं लगाएंगे उनको हम ऐसे ही रखते चले जाएंगे ठीक है अब देखो ए बी की हमने फर्स्ट निकाली है ए बी सी डी ठीक है अब हम करेंगे प्लस क्योंकि यह सॉप है ए बी एज इट इज आ गया अब सी और डी दोनों पे बार आ गया ठीक है अभी तक हम इसी एक्सप्रेशन पे ए बी सी डी पे हम अभी नहीं आए हैं ए बी पे ही हैं फिर प्लस किया क्योंकि ये सॉप है अब ए बी एज इट इज आ गया अब हम सी पे बार लगाते हैं डी पे नहीं लगाते हैं प्लस ए बी सी पे बार नहीं लगाते डी पे बार नहीं लगाते हैं ठीक है तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं ठीक है अब पॉसिबल आउटकम्स में कैसे पता चलेगा कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है दो वेरिएबल्स है ठीक है दो वेरिएबल्स है तो टू की पावर टू फोर फोर पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए अगर यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग होता है तो टू की पावर वन टू टू पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए थे ठीक है तो यहाँ पे फोर पॉसिबल आउटकम्स आ गए हमारे अगर थ्री वेरिएबल्स मिसिंग होते तो हमारे एट एट आते हाँ एट पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए थे ठीक है अब जो है ये आ गया सी डी सी डी फिर आ गया प्लस क्योंकि वो है शॉप है सी डी में हम सबसे पहले लगाएंगे ए बी सिंपल प्लेन वाला ए बी लगा दिया और फिर आ गया सी डी एज इज प्लस ए पे बार बी पे बार सी डी इट इज प्लस ए पे बार बी ऐसे ही सी डी प्लस ए ऐसे ही बी पे बार सी डी ठीक है कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए चार पॉसिबल आउटकम्स आ गए ठीक है अब ये स्टैंडर्ड सॉप बन गई है लेकिन अभी पूरी तरह से ये स्टैंडर्ड सॉप नहीं बनी है पूरी तरह से कैसे नहीं बनी है कि ए बी सी डी और ए बी सी डी दो दफ़ा रिपीट हो रहा है ठीक है और कोई ऐसी है जो रिपीट हो रहा है नहीं और कोई ऐसा नहीं है जो एक और दफ़ा रिपीट हो रहा है सिर्फ ए बी सी डी है जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है ठीक है जब कोई भी टर्म दो दफ़ा रिपीट हो रही होती है तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं ठीक है यानी कि इसी को पूरे को करके एक जगह से हम मिटा देंगे ठीक है तो ये हमारी बनी है स्टैंडर्ड सम ऑफ़ द प्रोडक्ट यानी कि आप देखोगे कि ये कितनी छोटी एक्सप्रेशन हमें मिली थी और उसका स्टैंडर्ड वर्जन कितना बना है ठीक है तो ये स्टैंडर्ड आ गई ठीक है इसी तरह से पॉज का भी स्टैंडर्ड करके देख लेते हैं पॉज पे हमें एक्सप्रेशन मिली है ए प्लस बी इंटू सी प्लस टी ठीक है अब इसका हम स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर ही ए प्लस भी आजान हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं Uh, सही है सबको नमाज़ पढ़ने जाना होगा तो नौ दस तक हम वो कर देंगे uh, नौ दस तक जितना होता है उतना कर लेंगे फिर नमाज़ के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है अच्छा अ, ये वाले टॉपिक्स हो जाए ना तो इसका मतलब है कि हमारे पांच लेक्चर्स कवर हो गए हैं ठीक है अच्छा स्टैंडर्ड शॉप हमने देखी कैसे लिखते हैं आप देखेंगे स्टैंडर्ड पॉज ठीक है तो ए बी की हम पहले निकालेंगे तो उसमें आएगा ए बी प्लस सी प्लस डी इन टू ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार ए प्लस बी प्लस सी पे बार डी ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे बार ठीक है चार कॉम्बिनेशन आ गए इसके अब सी डी तो सी डी भी इसी तरह से होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए पे बार प्लस बी पे बार प्लस सी प्लस डी ए पे बार प्लस बी प्लस सी प्लस टी फिर लास्ट आएगी ए ऐसे ही बी पे बार प्लस सी प्लस डी ठीक है ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए पॉज़ के अब इसमें भी चेक कर लेंगे कोई रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली ए बी सी डी रिपीट हो रहा है तो इसमें भी ए बी सी डी एक दफ़ा मिटा के एक ही दफ़ा हम लिख लेंगे तो ये आपकी आ गई फाइनल सॉप फाइनल पॉज फाइनल सॉप ठीक है तो हमें स्टैंडर्ड निकालना अब आ गई अच्छा ये थी फोर बिट वेरिएबल की कार्नॉफ कार्न ऑफ मैप जो है वो थ्री बिट पे बनता है फोर बिट पे बनता है फाइव बिट पे बनता है ठीक है तो कार्नॉफ ऑफ मैप हम यूज़ क्यों करते हैं कार्नॉफ ऑफ मैप हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी ये जो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस निकल कर आती है ना इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए मिनिमाइज करने के लिए कार्नॉफ ऑफ मैप हमारा यूज़ होता है कार्नॉफ ऑफ मैप जो है वो थोड़ा बहुत ट्रुट टेबल से डिफर करता है तो कार्ड ऑफ मैप में बेसिकली हम एक पूरा टेब वो मैप टाइप मैप हम इसलिए कहते हैं इसको कि जो टेबल होता है उसमें कॉलम्स एंड रॉज आते हैं कॉलम्स एंड रॉज इसमें भी आते हैं लेकिन इसमें है ना हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो उस लिहाज से इसको मैप कहा जाता है टेबल नहीं कहता ठीक है तो इसमें जो है कार्न ऑफ मैप ये ही होता है कि मिनिमाइज करने के लिए कार्न ऑफ मैप सॉप पे भी बनता है पॉज पे भी बनता है कार्न ऑफ मैप एक ही बनता है सॉप और पॉज के लिए भी बस दोनों का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है ठीक है अच्छा कर्न ऑफ मैप पे अगर तीन वेरिएबल हैं तो उस पर आठ वो बनेंगे सेल चार वेरिएबल का है तो उस पर सोलह सेल्स बनते हैं ठीक है तो ये एक है थ्री वेरिएबल कर्न ऑफ मैप की थ्री वेरिएबल जो है यानी कि तीन वेरिएबल होते हैं जो कि ए बी सी भी हो सकता है या तीन वेरिएबल डी ई e, एफ भी हो सकता है या फिर तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड भी हो सकता है बस तीन वेरिएबल हो सकते हैं वो कोई से भी अल्फाबेट हो सकते हैं जरूरी नहीं कि ए बी और सी ही हो ठीक है कोई सा भी अल्फाबेट यूज हो सकता है या अल्फाबेट हाँ अल्फाबेट कोई सा भी यूज हो सकता है उसको नाम देने के लिए तो थ्री बेड का कुछ इस तरह से बनता है ए बी जो है वो एक साथ लिखे जाते हैं और जो सी है वो एक साथ लिखे जाते हैं ठीक है थीके? अब मैंने ऊपर में जब ए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करवा रही थी तो मैंने एक बात मेंशन की थी कि इसके अंदर जितने वेरिएबल्स मिसिंग होते हैं ना यानी कि अगर दो वेरिएबल मिसिंग है तो टू की पावर टू फोर फोर पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे टू की पावर थ्री एट एट पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे ए और बी है ए और बी कितने हैं दो वेरिएबल हैं इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं फोर हैं तो यहाँ पे जो है ये जो इसकी रॉज हैं वो फोर बनेंगे अब जो सी है सी क्या है सी टू की पावर वन uh, होगा ना हाँ टू की पावर वन टू यानी कि इसके दो बनेंगे दो कॉलम बन गए ए बी जो है वो हम इस तरफ लिखेंगे सी जो है यानी कि ए बी जो है हम वर्टिकल में लिखेंगे सी जो है वो हम हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे अच्छा अब uh, इस तरह से कर्न ऑफ मैप बनता है ठीक है कर्न ऑफ एप इस तरह से बनता है अब इसकी वैल्यूज हम इसके अंदर एडजस्ट लिखते कैसे हैं तो यहाँ पे ना सेल में ना इस वाली पिक्चर में ना बने हुए हैं कुछ ऑलरेडी के इस वाले सेल में कौन सी वैल्यू आएगी जो कि तीनों पे बार हो ए बार बी बार सी बार इस वाले सेल पे कौन सी आएगी जहाँ पे ए पे भी बार हो बी पे भी बार हो सी पे भी सी नॉर्मल हो लेकिन हम ये ढूंढ कैसे रहे हैं कि किस पे बार आ रहा है किस पे प्लेन आ रहा है ये रट्टा नहीं है इस चीज़ का ठीक है रट्टा सिर्फ इसका है कि कार्ड ऑफ मैप कैसे बनता है इसका रट्टा लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है उसका रट्टा नहीं लगा सकते इतनी सारी वैल्यूज़ का कौन रट्टा लगा सकता है तो ये ना लॉजिक से बनता है लॉजिक कैसे अब देखो ये चल किस तरह आ रहा है ये चल रहा है ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो ठीक है अच्छा अगर हम एक सिंपल टू बिट वेरिएबल का वो बनाते हैं ट्रुटेबल तो वो किस तरह बनता है ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो वन 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 जो है वो हमेशा एंड में आता है यहाँ पे जो है वन वन वो तीसरी जगह पे आ रहा है तो ये काइंड ऑफ मैप का रूल है इसको तो रटना पड़ेगा ठीक है कि पहले ज़ीरो ज़ीरो है फिर ज़ीरो वन है फिर वन वन है फिर वन ज़ीरो है अच्छा अगर इसी हम ज़ीरो ज़ीरो और उसको अगर हम अल्फ़ाबेट में लिखें तो ज़ीरो ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो ज़ीरो रिप्रजेंट करता है बार तो ये जो है ये ए और बी दोनों पे बार है ठीक है जीरो वन यानी के ए पे बार है और बी जो है वो ऐसे ही है ए पे बार आ गया वन वन यानी के सिंपल ए और बी वन जीरो ए ऐसे ही और बी पे बार ठीक है और ये जीरो है तो C पे बार और ये वन है तो ये C ठीक है अब ये ज़ीरो 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 है तो यानी कि A बार B बार C बार ज़ीरो 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 इस वाले टेबल पे क्या है ज़ीरो 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 यानी कि A बार B बार C बार इस वाले टेबल पे क्या है ज़ीरो ज़ीरो वन ए बार बी बार सी इस वाले टेबल पे क्या है ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है यानी कि ए बार बी सी बार इस वाले टेबल पे क्या है ज़ीरो वन वन ए बार बी सी ये क्या है वन वन और ये है ज़ीरो तो ये आ जाएगा ए बी सी बार और ये आ जाएगा ए बी सी ये आ जाएगा आपका ए बी बार सी बार और ये आ जाएगा ए बी बार सी ठीक है मैंने इनमें से कहीं से भी नहीं देखा इन एक्सप्रेशन का मैंने खुद से इन सेल्स को देख के बताया है तो ये सिर्फ थ्री बिट वेरिएबल का ऑफ मैप है थ्री बिट की एक एग्जाम्पल बाद में कर लेते हैं नौ दस हो गए तो नमाज का टाइम है ओके वेलकम बैक अच्छा तो इतना हमने पढ़ लिया था अभी तक कि थ्री वेरिएबल कार्ड ऑफ मैप क्या होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं उसके हर सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ठीक है ठीके? अच्छा ये जो वैल्यूज होती है ना ये वैसे फिक्स होती हैं हर सेल की वैल्यू यही फिक्स होती है थ्री वेरिएबल कार्ड ऑफ मैपे लेकिन इनको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी एक्सप्रेशन में बहुत से ही इन में से कोई सी भी आ सकती है तो कभी भी वन कर दे अच्छा और एक और चीज ये जो मैंने कहा था ना कि अगर कोई वैल्यूज़ अगर कोई यहाँ पे सेम आती है तो हम एक को कट कर देते हैं और एक को रखते हैं तो अभी हम ये भी देख लेंगे ऐसा क्यों करते हैं <coughs> इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम्म hmm. yes. अब देखो यहां पे ना ये कह रहा है कि ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार इसको जो है ना वो करो कार्न मैप बनाओ ठीक है तो कार्न मैप बनाने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप इसको चेक करते हो कि ये सॉप में है या पॉस में है ठीक है ये जो है सॉप में है सम ऑफ द प्रोडक्ट है फिर आप उसको जो है चेक करते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है इस केस में जो है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि ये थ्री वेरिएबल का है और यहाँ पे फर्स्ट पे सिर्फ एक वेरिएबल है सेकंड में दो वेरिएबल है और तीसरे में तीनों हैं। तो इसको फिर हमने किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद जो है फिर हम एक एक वैल्यू एक एक जगह लिखते हैं ठीक है अब ये कैसे करते हैं hmm. स्क्रीन नज़र नहीं आ रही अच्छा एक मिनट अब आ रही है नज़र अच्छा अब ये देखो इस एक्सप्रेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है अब ये क्या है ये पहली वैल्यू क्या बन रही है ए बार बी बार सी बार ठीक है एक काम करते हैं उसको ना हम बना लेते हैं ए ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार सी बार सी ठीक है एक्सप्रेशन हमारी क्या थी This. ठीक है तो इसमें क्या है सबसे पहला आ रहा है ए बार बी बार सी बार ठीक है आ, तो ये क्या है ए बार है बी बार है ठीक है तो ये इसका जो फर्स्ट टू वेरिएबल्स है वो हमें एक साथ मिल गया ए बार बी बार थर्ड क्या है सी बार तो ये आ गया आपका सी बार इसको हमने कर दिया वन ठीक है अब इसमें जो है सेकंड आ रहा है ए बार बी बार सी ए बार बी बार यही हो गया अब सी आ गया तो ये आ गया वन फिर अब तीसरा क्या है ए बार बी सी बार ए बार बी यहाँ से हमें मिल गया और सी बार ये रहा यहाँ पे आ गया वन फोर्थ क्या आ गया हमारे पास फोर्थ हमारे पास आ गया ए बार बी सी तो ए बार ये रहा बी और सी ये रहा ये बन गया अब एक दो तीन चार हो गया अब पांचवा हमारे पास आ रहा है ए बी बार सी तो ये रहा ए बी बार और ये रहा सी छठा आ गया ए बी बार सी बार तो ये ए बी बार सी बार सातवा आ गया ए बी सी बार ए बी सी बार ठीक है अच्छा कभी प्रूफ करना वो एक प्रूफ रीडिंग करनी हो ना कि सही वन लगाए हैं कोई एक्सप्रेशन रह तो नहीं गई तो ना हमेशा इनको कौन कर लिया करो ये वन हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने वन लगाए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो ये एक प्रूफ रीडिंग हो जाती है कि हमने आ, सही एक्सप्रेशन को कारण ऑफ में, में कन्वर्ट किया या नहीं किया ठीक है एक ये वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब एक मीडियम लेवल का होता है कि ना ज्यादा इजी होता ना ज्यादा हार्ड होता है कि इसके वंस को ऐड करवाना अब जो मुश्किल पार्ट आता है ना वो आता है ग्रुपिंग का ठीक है अब हमेशा याद रखना कि जो थ्री वेरिएबल का होता है ना यानी जिसमें एट सेल होते हैं ये टोटल एट सेल हैं एट सेल में हमेशा जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना वो चार का बन सकता है चार का सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा तो इसके लिए जो है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले देखेंगे कितना बड़ा ग्रुप बन सकता है ठीक है तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा ग्रुप ये बन रहा है चार का ठीक है एक ये आपका बन गया चार का ग्रुप सही है ये एक ग्रुप बन गया अच्छा अब हमने ग्रुप करना किसको सारे वंस को एक ग्रुप तो ये पूरा चार का बन गया और ये दो रह गए ठीक है अब इसका या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा ग्रुप बना दे लेकिन ये सही नहीं है क्यों सही नहीं है कि हम यूं करके इसका चार का ग्रुप बना तो सकते हैं यानी कि दूसरे ग्रुप से हम थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं और ये इसका चार का ग्रुप बन गया ठीक है अब हमारे पास क्या बचा हमारे पास एक ये वन बचा है ठीक है ये एक वन बचा है हमारे पास सिर्फ तो इसका ग्रुप हम कुछ इस तरह से बना देंगे दो वन हमने यहाँ से ले लिया कलर चेंज कर दो वन हमने यहाँ से ले लिया दो वन हमने यहाँ से ले लिया ठीक है तो ये एक पूरा ग्रुप बन गया ठीक है आ, मैं आप लोगों को थोड़ी सी और एग्जांपल्स दिखाती हूँ कर्न ऑफ की कि ग्रुपिंग हम किस 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 तरह से कर सकते हैं ठीक है अब फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है ज़ीरो है ज़ीरो ज़ीरो और नहीं नहीं ये पूरा जीरो जीरो हो गया ये वन 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 ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ वन है अब इसके ग्रुप ना दो तरह से बन सकते हैं एक ग्रुप यू करके बना दिया और एक ग्रुप यूं करके बना दिया तो ये दो ग्रुप्स बने हैं ठीक है लेकिन दो ग्रुप्स क्यों बनाना जब हम एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं ठीक है हम हमेशा ट्राई करते हैं बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाने में जब बड़ा ग्रुप नहीं बन पाता फिर हम छोटे ग्रुप्स बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप हमारा बनेगा और वो एक ही ग्रुप बन जाएगा दो ग्रुप की बजाय तो वन वन हमने यहाँ से ले लिया और ये वन वन हमने यहाँ से ले लिया ये एक ही पूरा ग्रुप बने गया ठीक है अभी सिर्फ मैं ग्रुपिंग बता रही हूँ अभी मैंने इसमें एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो नहीं बताया ठीक है एक इसकी ये कंडीशन हो गई कि इस तरह से ग्रुप बन जाता है और कंडीशंस अगर देख लें तो ठीक है ओ, ये वन आ गया जीरो आ गया वन आ गया जीरो आ गया ठीक है अब ये एक कंडीशन है जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे आ, कोई वैसा ग्रुप नहीं बन सकता यहाँ पे टोटल दो ही ग्रुप बन सकते हैं दो से ज्यादा कोई बड़ा ग्रुप बन ही नहीं सकता अच्छा एक बार याद रखना तीन का ग्रुप नहीं बन सकता या दो का बनेगा या चार का बनेगा तीन का नहीं बनेगा पांच का नहीं बनेगा या दो का बनेगा या, का बनेगा, या चार बनेगा इसमें फो थ्री बिट वेरिएबल में सबसे छोटा ग्रुप दो का बनता है सबसे बड़ा ग्रुप चार का बनता है चाहिए ये हमने देख लिया इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो जाती है ग्रुप इस तरह से बन जाते हैं इस तरह से भी हम ओवरलैपिंग कर लेते हैं उसके अलावा एक एग्जांपल आई थी मेरे दिमाग में मैं भूल गई अच्छा हाँ अब देखो एक और एग्जांपल ये है जीजी बोलिए ये।, ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर ये ए बार सी बार सेकंड वाला जो राइट पे तो इसके अंदर ये जो तो बनाया हुआ है दो ग्रुप है एक ग्रुप है ये एक ग्रुप है यानी कि दो जो है वन वो यहाँ से ले लिए दो वन यहाँ से ले लिए और पूरा एक ही ग्रुप बन गया एक हाँ एक ही ग्रुप बना है ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो है अब इस तरह से आ गया है कि इन दो का तो ये वाला वन बन गया ग्रुप ठीक है लेकिन इस वन का अब हम क्या करें इस वन का तो कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है तो इस वाले वन के साथ क्या किया जाए इस वाले वन को ना फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं ठीक है यानी कि अगर किसी का कोई ग्रुप ना बन रहा हो और वो अकेला हो तो फिर उस अकेले को ही लिख देते हैं ठीक है अब जब हम सिंप्लीफाइड इसकी देखते हैं ना कि एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं फिर उसमें हम देखेंगे कि इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ठीक है ये सबसे छोटा ग्रुप है ये उससे बड़ा है ये उससे बड़ा है ये सबसे बड़ा है तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो है सिंप्लीफाइड निकलती कैसे रूल्स अपने पास लिख लें कि जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो रूल्स क्या होते हैं अगर ए बार इंटू ए हुआ तो ये हो जाता है कैंसिल ए इंटू ए हुआ तो ये ए आ जाता है बार इंटू ए बार हुआ तो ये ए बार आ जाता है ठीक है अब इन रूल्स को दिमाग में रट लो ये बहुत ज्यादा काम आते हैं अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो कार्ड ऑफ मैपिंग आप नहीं कर सकते ठीक है अब देखो ये वाली जो हमारे पास है इसमें क्या है एक ये ग्रुप बना है एक ये ग्रुप बना है ठीक है तो इसमें सबसे पहले इस ग्रुप को हम देखते हैं ग्रुप क्या है ठीक है इस ग्रुप में अगर हम ए बी की साइड से देखें तो हमारे पास ए और बी आ रहा है ए बी बार आ रहा है यानी ए जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी जो है वो बी बार से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या था ए ए से मल्टीप्लाई हो तो ए आता है लेकिन अगर ए बार ए से मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे ए एज इट इज आ जाएगा एक दफा लिखेंगे और बी इंटू बी बार कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ आ जाएगा ए ए के बाद जो ये तो हमने सिर्फ यहाँ से देखा और ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पे सी आ रहा है ठीक है तो सी ये से रिपीट करना रिपीट कर देती हूँ मैं अच्छा अब देखो हमारे पास में ये तीन रूल्स हैं इन तीन रूल्स का याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर बार यानी कि ए बार इंटू ए हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ए बार इंटू ए हो तो एक दफा ए लिख देते हैं ए बार इंटू ए बार हो तो एक दफा ए बार लिख देते हैं अब मैपिंग से जो है हम यानी कि ग्रुपिंग से एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं अब ये हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है वन का तो यानी कि जहाँ पे सिर्फ वन है ना सी का हम ये वाला कॉलम देखेंगे यानी कि इस वाले में हम बार को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बार में हमारे यहाँ पे वन नहीं आ रहा है यहाँ से हम सिर्फ सी को देखेंगे और यहाँ से हम ए बी ए बी बार इन दो को देखेंगे ठीक है ये ए बार बी बार ए बार बी को नहीं देखेंगे अब जब हम ये दो एक्सप्रेशन हो रही है यानी कि ये भी ए बी है ये भी ए बी है इसमें बस बार आ रहा है तो इन दोनों को ना हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा इस रूल के मुताबिक ए बी को बी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल के मुताबिक क्या आएगा कैंसिल आउट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा सी आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी लेकिन ये कम्प्लीट नहीं होता है क्यों हमारे पास एक ये वाली ग्रुपिंग आई है और एक ये वन जो है किसी के साथ ग्रुप नहीं है तो इस वन पे जो भी एक्सप्रेशन आएगी ना वो हम लिख देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बार बी आ रहा है और यहाँ पे सी बार आ रहा है और ये किसी से कैंसिल आउट या किसी में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इसको हम सिंपल ए सी के साथ क्योंकि ये सॉप है प्लस लिख के ए बार बी सी बार लिख देंगे तो इस वाले से जो है ये एक्सप्रेशन निकल कर आ रही है ठीक है वन मोर थिंग ये जो मैंने कर्न ऑफ मैप बनाया है ना ये जो एक्सप्रेशन थी ना सिर्फ इस एक्सप्रेशन का ये वाला कर्न ऑफ मैप बना ये वाले जो तीन कर्न ऑफ मैप हैं ये मैंने मैपिंग समझाने के लिए बनाए थे इनकी कोई एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन हम एक्सप्रेशन हमेशा निकाल सकते हैं एक कर्न ऑफ मैप से ठीक है एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे कर्न ऑफ मैप से इस वाले की एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे कि जहां जहां वन है ना बस उनके लिख देंगे यानी कि ग्रुप्स के विदाउट यहाँ यहां वन था तो ये क्या है ए बार बी सी बार तो यह हो गया ए बार बी सी बार प्लस ये वाला एक वन है तो इस वन पे क्या एक्सप्रेशन बन रही है ए बी सी ए बी सी प्लस लास्ट वन है इस पे क्या है ए बी बार सी बी सी, ठीक है तो ये इसकी एक्सप्रेशन थी और ये इसकी मिनिमाइज सॉप निकली है ठीक है तो आप देखो ये एक्सप्रेशन बड़ी थी ये इतनी छोटी सी हो गई अगर ये ये भी किसी ग्रुप में बन रहा होता ना तो ये और ज्यादा छोटी हो जाती ठीक है अच्छा अब इस वाली को हम देखते हैं ठीक है अच्छा अब थोड़ा सा कुछ हो गया सही अच्छा अब ये जो है ये पूरा एक ग्रुप है पूरा एक ग्रुप है ठीक है अब देखो इसमें सबसे पहले सी को सी सी बार को सी से कर लो कैंसिल आउट हो गया यानी ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची अब जो है ये ए बार बी बार इनटू ए बी बार होगा तो ए बार ए से कैंसिल हो गया आंसर क्या आया बी बार ठीक है तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आया है बी बार अगर हम इसकी एक्सप्रेशन निकालें तो इसकी एक्सप्रेशन क्या थी इसकी एक्सप्रेशन निकालें तो यहां से आ गया ए बी ए बार बी बार सी बार प्लस ये वाला है तो ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी ठीक है ये इतनी बड़ी इसकी एक्सप्रेशन थी जिसका आंसर क्या आया? सिर्फ बी आया है जिसका बी बार इसका आंसर आया है ठीक है बी बार इसका आंसर आया है तो ये फ़ायदा होता है कर्न मैप का कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज कर देते हैं अच्छा तो इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया अब ये वाला का निकालते हैं ठीक है इसमें एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है तो मैं आ, अपनी स्क्रीन को आगे पीछे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एनोटेट अपनी स्क्रीन के ऊपर ग्रुपिंग ड्रा की हुई है आगे पीछे करूँगी तो ग्रुप्स आगे पीछे हो जाएंगे तो जितनी जगह है उतने पे मैं इसकी मिनमाइज लिख देती हूँ एक ग्रुप ये बना है तो इस ग्रुप में ऊपर से सी कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं होगा तो सी एज इट इज़ आएगा और यहाँ से ए इंटू ए ए रह जाएगा बी इंटू बी बार कैंसिल हो जाएगा तो इस वाले ग्रुप का आंसर आएगा ए सी प्लस अब ये क्या बन रहा है Uh, ये सी बार है तो सी बार किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा आएगा और ए बार इंटू ए बार इस ए बार बी बार इंटू बी इस कैंसिल आउट तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बार सी बार ठीक है अगर इसी की एक्सप्रेशन निकालनी हो तो ये था वन ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बारी ठीक है ये इतनी बड़ी इसकी एक्सप्रेशन थी जिसकी ये मिनिमाइज निकली है अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि ये जो हमारे पास निकल कर आती है ना इसमें हमारे पास कितनी टर्म थी चार थी तो हमने चार वन लगाए थे अब जो हमारे पास सिंप्लीफाइड आती है ना सिंप्लीफाइड हमारी इस हिसाब से निकल कर आती है कि ये जो हमारे होते हैं ना ग्रुप्स जितने बनते हैं जितने ग्रुप्स बनते हैं उतनी ये निकल कर आती हैं टर्म तो हमारे पास दो ग्रुप्स बने यहाँ पे दो टर्म निकल कर आए यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप बना था तो यहाँ पे हमारी एक टर्म निकल कर आई थी यहाँ पे हमारे दो ग्रुप बने थे तो यहाँ पे दो निकल कर आए यानी कि एक ग्रुप बना और एक एजेटेस आ गया तो दो टर्म आए अब ये वाले पे आते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा है ठीक है इसकी एक्सप्रेशन भी कितनी ज्यादा बड़ी है एक ग्रुप इसका ये जो रेड में हुआ हुआ है वो है एक ग्रुप जो पिंक में हुआ हुआ है एक ग्रुप जो ब्लू में हुआ हुआ है ठीक है तो सबसे पहले जो ब्लू वाला है ब्लू वाला निकालते हैं ठीक है अब एक रूल और जहन में बैठा लो एक रूल ये हमने तीन रूल्स पढ़े हैं तीन रूल्स के अलावा एक और रूल अपने जहन में बैठा लो वो रूल ये है कि एक मिनट हाँ अगर आपका ये हॉरीजोंटली सारे सेल्स कवर हो रहे हैं हॉरीजोंटली यहाँ पे हॉरीजोंटली हमारे दो सेल हैं तो दोनों ही कवर हो रहे हो तो हॉरिजॉन्टली पे जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाती हैं ठीक है इसका प्रूफ ले लो सी इंटू सी सी बार इंटू सी कैंसिल आउट ऊपर से हमारी कोई वैल्यू बची ही नहीं और अगर वर्टिकल में आपके सारे ग्रुप्स बन रहे यानी कि सारे सेल्स कवर हो रहे हैं तो यहाँ की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और बस ऊपर वाली बचेगी ठीक है इसका हम प्रूफ ले लेते हैं कि वर्टिकली जो भी आ रही है वो सारी कैंसिल आउट कैसे हो रही है ठीक है इसको हम दो दो में डिवाइड कर देते हैं इस दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इस दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है यहाँ पे जो है वो मेरा आ रहा है ए बार इंटू ए बार ए बार इंटू ए बार क्या होता है ए बार बी बार इंटू बी क्या होता है कैंसिल आउट तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा ए बार बचा अब इन दोनों से यहाँ पे बी इंटू बी बार कैंसिल हो गया ए इंटू ए ए रह गया यहाँ से हमारे बचा ए बार यहाँ से बचा ए ए बार इंटू ए कैंसिल आउट तो ये हमारी सारी ही वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई तो ये जो ब्लू वाला ग्रुप है ये इस तरह से ग्रुप बना हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा सी बार पे लिख देती बार प्लस अब ये जो रेड वाला ग्रुप है ना इस रेड वाले ग्रुप को बनाते हैं ऊपर से तो पूरा ही कैंसिल हो गया ठीक है अब नीचे से देखो तो ए बार इंटू ए बार ए बार बी इंटू बी तो यहाँ से हमारे पास बचा ए बार ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी तीसरा ग्रुप है पिंक वाला तो ये यूं जा रहा है यूं जा रहा है यानी ऊपर से तो सी और सी बार फिर से कैंसिल हो गया यहाँ से बचा ए बार इंटू बी बार ए बार इंटू ए कैंसिल आउट बी बार इंटू बी बी तो हमारे पास क्या बचा बी बार अगर इसको uh, मैं वो करके लिखना है सेट करके यानी कि एक ऑर्डर में तो यू आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ठीक है तो ये देखो ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी इसकी मिनिमाइज सॉप कितनी आई है ये आई है ठीक है तो सॉप से कर्न ऑफ मैपिंग थ्री बिट वेरिएबल की अभी तक हमने बात की हमने अभी फोर बिट पे हम गए ही नहीं है ठीक है तो ये वाला टॉपिक इसलिए लंबा है क्योंकि ये वाला टॉपिक हर जगह इस्तेमाल है अब शुरू में हम क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन की हम टूट टेबल निकालते थे डायग्राम बना ली चलो भाई हो गया कार्न मैप जब आ जाता है ना तो हर चीज़ कर्न मैप आती है इवन जो लास्ट क्लास में टीचर ने मेंशन किया था ना उन्होंने यही कहा था कि आपकी हर चीज़ में कर्न मैप आएगा हर चीज़ में कर्न मैप आएगा तो कार्न मैप तो को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैं सारी क्लियर कर दूँ अच्छा ये हो गया क्लियर अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हम ट्रुट टेबल में वो बनाते थे ना आ, डेसिमल यानी कि वो जो डेसिमल हमारे नंबर आते थे फिर उससे हम ट्रुट टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे वैसे यहाँ पे भी डेसिमल नंबर है यहाँ पे वन आता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की इस तरह से काउंटिंग होती है ठीक है कैसे थ्री बिट वेरिएबल का एक ऊपर से हम वो लेकर आते हैं ये रहा ये हम ले आए एक ट्रुट टेबल तो अब यहाँ पे देखो कि इस वाले सेल में क्या वैल्यू बनती है जीरो जीरो ज़ीरो ठीक है यहाँ पे देखो ट्रुट टेबल में ए बी सी जीरो ज़ीरो पर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है अच्छा हाँ सॉरी ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है डेसिमल ये मुझसे मिस्टेक हुई है तो ये वन है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाँ इस तरह से आएंगे अच्छा ये ज़ीरो जो डेसिमल है वो जीरो ज़ीरो जीरो आ रहा है अब ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये वाला हमारा आ गया डेसिमल नंबर वन इस वाले सेल में वैल्यू भी क्या बनती है जीरो ज़ीरो वन इस वाले सेल में बनती है ज़ीरो 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 ठीक है अब टू ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो यानी ए बार बी सी बार ये हमारी बन गई वैल्यू टू तो इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल भी यहाँ पर है ठीक है लाइ लाइक अगर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जर करके तो इसके ऊपर ना वैल्यूज लिखी हुई हैं ठीक है टीचर ये वाला सवाल भी बहुत पूछ सकती हैं ये ज़ीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अच्छा एक बार याद रखना ये जीरो वन टू थ्री लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है फोर और फाइव नीचे आ रहा है सिक्स और सेवन बीच में आ रहा है वो इसलिए क्योंकि ए और बी हमारा असूलन नीचे आना चाहिए था लेकिन वो कर्न ऑफ मैप के रूल की वजह से ऊपर जा रहे हैं तो उसके डेसिमल नंबर्स भी ऊपर ही जा रहे हैं ठीक है तो ये यहाँ पे लिखे होते हैं अच्छा इन डेसिमल नंबर से फ़ायदा क्या होता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन आई है ए बी सी बार प्लस ए बी सी ठीक है ये एक्सप्रेशन आई है या इसमें थोड़ा सा और एड कर देते हैं प्लस ए बी बार सी प्लस ए ए बार बी बार सी बार ठीक है ये चार हो गई हमारे पास टर्न अब इसकी हम कार्डनाओ ऑफ मैपिंग कैसे करेंगे ए बी सी बार ये पहले मैं वन हटा दूं ए बी सी बार ए बी ये ए बी और ये सी बार ये आ गया वन ए बी सी ये आ गया वन ए बी बार सी वन ए बार बी बार सी बार वन ठीक है अब जो है वो इस ये सब तो एक नॉर्मल मैपिंग थी ठीक है अब इस मैपिंग को हम एक बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब टीचर ने जो भी चीज पढ़ाई है उन्होंने कहा है कि वो एक एक चीज वाइवा में पूछ सकती हैं ठीक है तो इसी वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करना बाइनरी कैसे जहां सिंपल प्लेन अल्फाबेट लिखे हुए वो वन होगा जहां बार आएगा वो जीरो में। में उलट हो जाएगा जहां प्लेन लिखा हुआ वो वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जहां पे बार लिखा है वो वन हो जाएगा लेकिन अभी हम सॉप पढ़ रहे हैं तो ए बी सी बार हो जाएगा वन वन जीरो प्लस ए बी सी हो जाएगा वन 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 प्लस ए बी बार सी हो जाएगा आपका वन जीरो वन प्लस ए बार बी बार सी बार हो जाएगा जीरो 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 ठीक है अब इन ही चारों टर्म्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना डेसिमल में वन वन जीरो का क्या बनेगा वन वन जीरो का बनेगा टेबल थ्री बैठे ना तो पहले में वन आएगा टू आएगा फोर आएगा तो वन वन जीरो यानी कि फोर प्लस टू यहाँ पे आया है सिक्स सिक्स वन 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 यानी कि ये भी वन है तो फ़ोर प्लस टू प्लस वन इज़ सेवन सेवन वन ज़ीरो वन यानी कि फ़ोर प्लस वन इज़ फाइव तो ये आ जाएगा प्लस फाइव और है ज़ीरो 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 तो ज़ीरो 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 इस हमारा बनता है ज़ीरो प्लस जीरो ठीक है तो अगर इन सारे नंबर्स को हम देखें सिक्स सेवन फाइव जीरो जीरो को वो मत समझेगा कि हटा दिया हमने किसी काम करने जीरो यहाँ पे बहुत काम का आता है किस तरह से अब यहाँ ये यह जो नंबर आए हैं ना ये सारे हमारे पास डेसिमल नंबर है जीरो फाइव सेवन सिक्स इन डेसिमल नंबर्स को आप कार्ड ऑफ पे देखो जीरो हमारा वन लगा हुआ है फाइव वन लगा हुआ है सेवन वन लगा हुआ है सिक्स वन लगा हुआ है तो इस तरह से भी हम कार्नाफ ऑफ मैपिंग कर सकते हैं ठीक है कि जब इस जब आपने किस तरह किया दोबारा क्या चीज अच्छा यही वाली चीज दोबारा से बताऊं बताऊ था। था। ये जो एक्सप्रेशन आई है ना इस एक्सप्रेशन में जहां पे प्लेन अल्फाबेट है यानी जहाँ पे बार नहीं है उसको हम वन कंसीडर करेंगे जहां पे बार आया है उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे तो ए बी सी बार का बनता है बाइनरी वन वन जीरो ए बी सी है वन 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 ए बी बार सी है वन जीरो वन ए बार बी बार सी बार है जीरो 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 अब इसका हम डेसिमल निकालते हैं डेसिमल कैसे होता है डेसिमल का शॉर्ट तरीका जो कि हाँ मेरे टीचर ने भी कहा था शॉर्ट तरीका हाँ पेपर में इसका सवाल आ सकता है ठीक है जैसे टीचर ने एक सवाल दे दिया कि कार्ड ऑफ मैपिंग एक्सप्रेशन दे दी कि इसकी कार्ड ऑफ मैपिंग करो एक, एक एक्सप्रेशन वो दे दें कि इस वाले रूल से करो तो बिल्कुल आ सकते हैं और अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तो मे बी वो वाइवा में पूछ सकती हैं कि अगर मैं इस तरह से करूं कि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं और उनको डेसिमल में निकाल के करूँ तो क्या इस तरह से हमारी हो सकती है या वो पूछ सकती हैं कि नंबर ऑफ़ वेज क्या हैं कर्न ऑफ मैप पर मैपिंग करने का तो एक वे ये है कि हम एक्सप्रेशन से कर लेते हैं दूसरा वे ये है कि हम उसको बाइनरी से डेसिमल में करके जहाँ पे हमारा जो सेल में डेसिमल जो नंबर आता है वहाँ पे वन लगा देते हैं तो ये इसकी सारी बाइनरीज वैल्यू निकल कर आ गई अब बाइनरीज को हमने किया है डेसिमल में डेसिमल में कैसे करते हैं हमारे पास ये आया है जीरो जीरो ज़ीरो इसके ऊपर ना हमेशा एक पावर होती है टू पावर ज़ीरो होता है फिर टू पावर वन फिर टू पावर टू यानी कि ये जो है वन है ये टू है ये फोर है तो अब हमारे पास यहां पे जीरो जीरो पे क्या वैल्यू आई है अगर हम जीरो 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 लिखें तो वन हमारा कहीं नहीं है तो ये जीरो हो गया तो ये हमारा जीरो हो गया ये क्या है वन जीरो है और एक फोर पे आया है तो फोर प्लस वन इज फाइव फाइव हमने लिख दिया अब आया वन 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 फोर प्लस टू प्लस वन सेवन सेवन लिख दिया अब है है तो ये हमारे पास हो गई अब इन six, seven, five, zero जो के डेसिमल में आ रहा है, वहाँ पे one लगा दो जीरो पे लगा दिया फाइव पे लगा दिया सेवन uh, पे लगा दिया ठीक है चार आ रहे थे तो इन चारों पे हमने वन वन लगा दिया तो ये एक तरीका होता है वो करने का ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जो है इसकी भी हम मैपिंग करके देख लेते हैं इसमें एक ग्रुप ये बन गया दूसरा ग्रुप ये बन गया और तीसरा ये ग्रुप तो नहीं बना लेकिन ये अकेला ही रह गया तो ये ऐसे ही आ गया ठीक है अच्छा अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो मैंने ओवरलैपिंग करके ये वाला जो ग्रुप बनाया है ना ये ओवरलैपिंग कहलाई है कि एक ग्रुप ऑलरेडी बना था उससे एक वन लेके इसको बनाया है तो ये वाली ओवरलैपिंग वैलिड होती है ठीक है लेकिन अगर आप देखो ये वाला एक ग्रुप बन गया ये वाला एक ग्रुप बन गया अब मैं दोबारा से एक और ग्रुप बना रही हूँ जो ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर मैं ग्रुप बना रही हूँ तो ये इनवैलिड है ठीक है अब एक चीज ग्रुप के अंदर है तो उसके वो दोबारा से ग्रुपिंग क्यों करना ठीक है तो ये इनवैलिड ग्रुपिंग कहलाती है कि ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं और फिर उन ग्रुप्स के अंदर ग्रुप बनाना इस इनवैलिड। हाँ, अगर कोई ग्रुप खाली है जैसे कि ये तो ग्रुप के अंदर आ गया है लेकिन ये वाला वन जो है ऐसे ही है तो और इसके ना ऊपर कहीं पे वन है ना नीचे है कि ये इस तरह से ग्रुप बना ले या इस तरह से ग्रुप बना ले तो एक क्या रीज़न बचा कि यूं करके ग्रुप बना दिया तो ये वाली वैलिड वो होती है मैपिंग ये ऐसे ही रहेगा इसको ऐसे ही दिया अब इसकी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी सिंपल ये जो ये वाली ग्रुपिंग है इसमें जो है ए और बी ऐसे ही आ जाएगा सी इंटू सी बार कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस यहाँ से जो है ए इंटू ए ए आ जाएगा बी इंटू बी बार कैंसिल और ये सी आ गया तो ये आपका आ जाएगा ए सी प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे जो कि आ जाएगा ए बी ए बार बी बार सी बार ठीक है ग्रुप कितने बने एक दो तीन टर्म्स कितनी आई तीन मतलब के हमारा ये वाला काम हो गया ठीक है अब एक फोर बिट का देख लेते हैं ठीक है अब देखो ये इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है कि इसको सॉप में कन्वर्ट करो ठीक है वो सॉरी इसकी कर्न ऑफ मैपिंग बनाओ तो ये तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉप में है या पोस्ट में ये ऑब्वियसली सॉप में है फिर चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में या नहीं ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद चेक किया कि कोई डबल तो नहीं आ रहे डबल आ रहे हैं तो उसको फिर हमने ऐसे लिख दिया अच्छा अगर कोई डबल भी आ रहा होता है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमारा डबल आ रहा था ए बी सी डी ए बी सी डी अब इसकी अगर हम कार्ड ऑफ मैपिंग कर रहे हैं जैसे ए बी सी डी एक दफ़ा ये वन लिख दिया और दूसरी दफ़ा भी यही ए बी सी डी आ गया तो वन तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे ना तो इसलिए हम फिर एक्सप्रेशन को भी एक ही दफ़ा लिखते हैं अच्छा फोर बेड ये फोर बेड का होता है सही है अब जैसे तरतीब ए और बी की लगती है ना वैसे तरतीब सी और डी की लगती है बस ए और बी वर्टिकल जा रहा होता है सी और डी हॉरिजॉन्टल जा रहा होता है अब ए बी जो है पहला क्या होता है ए बार बी बार सी डी भी पहला ए बार बी बार होता है ठीक है फिर क्या होता है ए बार बी सी डी बी पहले सी बार डी होता है तीसरे में ए बी सिंपल होता है तो तीसरे यहाँ पे भी ए बी सी डी सिंपल होता है चौथे में ए बी बार होता है तो यहाँ पे सी डी बार होता है तो यही पूरी इसकी तरतीब है इसके अंदर जो है सबसे छोटा ग्रुप दो का बनता है सबसे बड़ा ग्रुप आठ का बनता है ठीक है उसमें सबसे छोटा ग्रुप दो का था सबसे बड़ा ग्रुप चार का था तो यहाँ पे जो है वो सबसे छोटा ग्रुप दो का है और सबसे बड़ा ग्रुप आठ का है ठीक है तो इसकी भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है जैसे इसको पूरा स्टैंडर्ड कर दिया तो ये ए बार ए बी बार सी बार डी था तो A, ये रहा ए और ये रहा इसका बी बार बी बार ये इसका सी बार आ गया और ये डी आ गया तो यहाँ पे ये वाला वन लग गया ठीक है ये वाला वन लग गया ये आ गया इसका वन अच्छा अब दूसरा क्या है ए बार बी बार सी बार डी बार ज़ीरो 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 ये रहा इसका वन फिर है ए बी बार सी बार डी ए बी बार सी बार डी सॉरी ए बार पे यार ए बार बी बार सी बार डी ये रहा वन फिर इसी तरह से ये सारे कर कर के ये इन्होंने पूरे वन वन लगा दिया ठीक है और फिर जो है इसका ग्रुप बना दिया ठीक है एक ग्रुप इस तरह से बनाया है ये एक ग्रुप बन गया ठीक है दूसरा ग्रुप ये बन गया ये दोनों चार चार के ये भी चार का ये भी चार का ठीक है अब ये इस तरह से दो का ग्रुप बना सकते थे लेकिन इसमें जो है चार का ग्रुप बन सकता है तो चार का ग्रुप कुछ यूं बना दिया कि यहाँ से यूं करके दो ले लिया और यहाँ से यूं करके दो ले लिया ठीक है तो ये कितना बन गया तीन ग्रुप्स बन गए टोटल अब इनकी एक्सप्रेशन कैसे निकाली है ये जो है ये इस वाले ग्रुप को ले लेते हैं दो यहाँ से दो यहाँ से तो इसमें ये क्या है ए बार बी बार ए बी बार तो बी बार इंटू बी बार बी बार बचा और ए बार इन ए कैंसिल आउट हो गया अगर ऊपर सिर्फ दो का बनाए तो वो गलत तो नहीं होगा लेकिन कहा यही जाता है कि सबसे बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए तो हमारा एक जो रिकॉर्डेड लेक्चर आया था ना जो सबसे पहला रिकॉर्डेड लेक्चर आया था डीसी का उसमें टीचर ने यही सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं ग्रुपिंग का बेसिकली अगर किसी को भी और ज्यादा ग्रुपिंग अच्छी करनी हो तो उस वाले लेक्चर को देख लेना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दो का यहाँ पे ग्रुप बन सकता है लेकिन वो सही नहीं है चार का ही ग्रुप बनाओ क्योंकि चार का बन सकता है तो बनाओ अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन और वन एक साथ नहीं होता तो फिर हम इसका दो का ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं ग्रुप पढ़ने के लिए तो इसलिए फिर चार का ग्रुप बना लिया अच्छा अब यहाँ से ए बार इंटू ए कैंसिल हो गया बी बार बचा बी बार और ऊपर से जो है सी बार इंटू सी सी बार रहा Bar into d बार इंटू डी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा b बार c बार ठीक है ये इसकी आ गई b बार c बार टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं तो उसका कोई वो नहीं है अच्छा अब दूसरा ग्रुप कर लो तो दूसरा ये वाला ग्रुप है ठीक है इसके अंदर a इंटू ए ए बचा b इंटू बी बार कैंसिल हो गया तो a बचा और ऊपर से c बार इंटू सी डी बार इंटू डी कैंसिल हो गया तो a c बार बचा ठीक है ये दो हमने निकाल ली अब एक लास्ट ग्रुप बचा मैंने क्या कहा था कि रूल है अगर वर्टिकल सारे वन आ रहे हो तो सॉरी हाँ अगर वर्टिकल सारे वन आ रहे हो तो ये वाली पूरा वो हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है हॉरिजॉन्टल सारे वन आ रहे हो तो ये वाला पूरा कैंसिल कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है ये पूरा हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये इसको देखेंगे इसको क्या देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ए बी बचा तो ए बी बार सॉरी ए बी बार बचा तो ये ए बी बार हो गया ठीक है तीन ग्रुप बनाए तीन हमारे पास टर्म्स आगे निकल के ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन की इतनी सी टर्म निकली है ठीक है तो ये फोर बिट वेरिएबल का हो गया अच्छा पॉस का भी सिंपल सेम ऐसे ही है थ्री बिट फोर बिट अच्छा इसकी नोट्स मैंने एड नहीं किया है uh, लेट हो गया था तो मैं कल कर दूंगी तो इसमें जो है वो जहाँ हम वहाँ पे वन लिखते थे यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं ठीक है अब बहुत गौर से सुनना जब मैं इसकी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम पॉज कैसे बनाते हैं सही बहुत गौर से सुनना क्योंकि पॉज़ जो है ना वो दिमाग ख़राब कर देता है कन्फ्यूज़ करता है बहुत ज़्यादा हमारे पास ये टर्म है ए बार प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार ठीक है ये हमारे पास टर्म है ये स्टैंडर्ड है ठीक है ये पॉस है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है ए ये पूरा मैं मिटा देती हूँ। अब हम पोस्ट लिखते कैसे हैं टेबल हम कर्न ऑफ मैप वही बनाएंगे टेबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे कोई सी भी थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं आएंगे टेबल के अंदर फोर बिट में भी और थ्री बिट में भी लेकिन हम पोस्ट लिखते कैसे हम जब पॉस्ट लिखते हैं ना जैसे ये क्या वैल्यू बता है ये बता रहा है ए बार बी सी बार अगर हम इसकी सॉप में वो देखें बाइनरी hmm, वैल्यू देखें तो ए बार बी सी बार की वैल्यू क्या बनेगी सॉप में ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है ज़ीरो वन ज़ीरो लेकिन अगर हम इसको पॉस में कन्वर्ट करते हैं तो पॉस में जो बार होता है वो वन आता है और जो प्लेन होता है वो ज़ीरो आता है ठीक है तो यहाँ पे इसकी जो पॉस बनेगी ना वो बनेगी वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन आपके किस सेल में आता है वन ज़ीरो वन ठीक है इस सेल में आपका आता है वन जीरो वन और इसकी अल्फाबेटिक वैल्यू क्या बनती है ए ए सॉरी ये नहीं ये वाला सेल आएगा ए बी बार सी ठीक है अब अगर आप इस वैल्यू को देखो ए बी बार सी ए बार बी सी बार तो ये तो इसका बिल्कुल इन्वर्स है बिल्कुल इनवर्स है इसका यहाँ ए बार है तो यहाँ पे ए है यहाँ बी है तो यहाँ बी बार है यहाँ सी बार है तो यहाँ सी है ठीक है तो पॉस हम इसी तरह से लिखते हैं जीरो आ गया ठीक है तो इसके अंदर अगर आप बाइनरी वैल्यू निकाल के करो तो ज्यादा ईजी रहता है अगर आप डायरेक्ट करो तो थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल रहता है इसकी बाइंड्री वैल्यू फिर निकलेगी इस तरह कर लेते है। वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन वन ठीक है तो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन हमारे इसमें थी ज़ीरो लग गया ज़ीरो 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 इसमें लग गया ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ठीक है अब अगर हम ऐसे ही पॉज से एक्सप्रेशन से देख के लिखें तो ये एक्सप्रेशन क्या है ए बार प्लस बी प्लस सी बार हम इसको पढ़ेंगे ए बी बार सी ए बी बार सी जीरो लग गया अब ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी इसको हम पढ़ेंगे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ए बार बी बार सी बार ये आ गया जीरो अब इसकी जो थर्ड है वो क्या है ए प्लस बी बार प्लस सी बार ए प्लस बी बार प्लस सी बार तो इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे ए बार प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस बी प्लस सी ज़ीरो ठीक है तो तीनों ज़ीरो करेक्ट लग गए अच्छा अब इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ठीक है यहाँ पे ना कोई वो ज़ीरो बन नहीं रहा है तो कोई ग्रुप बन नहीं रहा है यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं कि अपनी तरफ से कोई ग्रुप बना लेते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एक और जीरो लगा के मैंने एक ग्रुप बना दिया ठीक है अब इसके एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं अच्छा जो बाकी स्पेसिस बचते हैं ना उस पर हम वन 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 लिख देते हैं सॉप में ज़ीरो लिख देते हैं पोस्ट में वन लिख देते हैं तो इसका एक ग्रुप बनेगा ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा इसका एक ग्रुप यूं बनेगा और दूसरा ग्रुप यू बनेगा ठीक है अब इससे एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे ये वाला जो एरिया आ रहा है ये क्या आ रहा है ए बार बी बार सी बार जब पॉज में लिखेंगे तो इसका इन्वर्स लिखेंगे यानी कि ए बार बी बार सी बार है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ठीक है इन टू ये एक ग्रुप बनाए हैं ये पिंक वाला तो इसमें सेम वही रूल अप्लाई होंगे ऊपर देखो तो ये सी है यहाँ पे यह आ रहा है ए बार इन ए ए बार इंटू ए कैंसिल हो जाएगा बी बचा तो बी का हम क्या लिखेंगे बार लिखेंगे तो ये बी बार हो गया ये सी बार हो गया तो इसमें हम लिखेंगे बी बार प्लस सी बार लास्ट ग्रुप बचा तो लास्ट ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास बी इंटू बी बार है जो कि कैंसिल हो गया तो ए बचा ए जो है वो हमारा a बार बन गया और c जो है वो c बार बन गया तो ये एक्सप्रेशन बनी a प्लस सॉरी a बार प्लस सी बार ठीक है तो पॉज इस तरह से होती है कंफ्यूजिंग है लेकिन अब यही रूल है तो क्या कह सकते हैं प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाएगी uh, मुझे पॉज का पता था लेकिन मुझे पॉज आती नहीं थी लेकिन इसका जो असाइनमेंट नंबर वन है ना डी का वो असाइनमेंट नंबर वन पूरा यही है तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो असाइनमेंट नंबर वन खुद से कर लें पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी अच्छा इसका जो फोर बिट होता है ना वो फोर बिट भी ऐसे ही होता है सेम होता है डेरा ठीक है इसमें भी सेम होता है जो एक्सप्रेशन होती है उस एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिखते हैं जीरो लिखते हैं जीरो के ग्रुप्स बनाते हैं और फिर इन्वर्स करके उसकी एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं ठीक है इसकी एक्सप्रेशन इस तरह से आती हैं स्टैंडर्ड नहीं होती तो पहले स्टैंडर्ड करते हैं और फिर उसके बाद लकड़ते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि कार्ड ऑफ मैप को कम्प्लीट पूरा कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर फाइव का क्वेश्चन था कि ये एक एक्सप्रेशन है इसका इसको मिनिमाइज करो यूजिंग कार्ड ऑफ मैप और जो कार्ड ऑफ मैप से जो एक्सप्रेशन आएगी ना उसका सर्किट बनाना है तो हमेशा याद रखना है स्टेप्स स्टेप नंबर वन चेक करो कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो सॉप है या पॉस है ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉप है स्टेप नंबर टू आपकी जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाली एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो फिर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है स्टेप नंबर थ्री इसका कर्न ऑफ मैप बनाओ ठीक है सारे इसका ये पूरा बन गया कर्न ऑफ मैप इससे हमने एक्सप्रेशन निकाल ली अब ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आई है ना इसका सर्किट बना इसका वो बनाना है सर्किट अच्छा जो ट्रुथ टेबल है ना ट्रुथ टेबल जो है वो आपकी उसका कर्न ऑफ मैप से फिलहाल के लिए कोई ताल्लुक नहीं होता ट्रुथ uh, टेबल का आपका कर्न ऑफ मैप से फ्क्शन में ताल्लुक होता है नॉर्मल कर्न ऑफ मैप पर कोई ताल्लुक नहीं होता तो ये जो ट्रुथ टेबल बना है ना ये इस पूरी एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना है ये ट्रुथ टेबल क्यों बना है कि हमने ये जो मिनिमाइज सॉप निकाली है इसका जो हमने सर्किट बनाया है उस सर्किट को जब हमें एल ग्लो करवानी है तो हम किस कंडीशन पे ग्लो करवाएं ठीक है देखो इतनी सारी कंडीशन पे ये वन वन दे रहा है तो ये इसकी सर्किट डायग्राम बनी है किसकी जो मिनिमाइज कर्न ऑफ मैप निकल कर रहा है उसकी डायग्राम बनी है तो ये पांच स्टेप आप अपने जहन में रखना कि आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी है

हमारे एक इक्वेशन में ए आ रहा है और क्या आ रहा है ए प्लस ए बी सी अब दूसरी में ए बी सी आ रहा है लेकिन पहले में ए आ रहा है लेकिन जब हम उसको कर्न ऑफ मैप पर बनाएंगे तो हमें तो ऑब्वियसली ये सारे वेरिएबल्स हमें यूज करते हुए बनाने होते हैं तो इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ठीक हो गया ये भी डायग्राम uh, बन गई अच्छा डोंट केयर कंडीशंस आती हैं आगे पढ़ने की हिम्मत है अभी हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस रहती हैं फंक्शंस रहते हैं कन्वर्टर्स रहते हैं कंपेरेटर्स रहते हैं ठीक है कंपेरेटर्स दो होते हैं इक्वालिटी और इक्वालिटी फिर हमारे पास कोड कन्वर्टर्स हैं जिसमें बी सी डी टू बाइनरी है बाइनरी टू बी सी डी है फिर ग्रे कोड है ग्रे कोड टू बाइनरी है बाइनरी टू ग्रे कोड है फिर एक्सेस थ्री है एक्सेस थ्री के बाद हमारे पास इक्वे बैलेंस गेट भी है तो अभी जो पढ़ा है वो दिमाग में आया है क्योंकि अगर अभी से थक गए पढ़ के तो बात का समझ नहीं आएगा बेहतरीन 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 है चलो सही है अच्छा एक काम करते हैं कि डोंट केयर कंडीशन को छोड़ते हैं इक्वे बैलेंस पढ़ते हैं ठीक है थोड़ा चेंज टॉपिक हो जाएगा कार्ना ऑफ मैप से इसमें कार्ना ऑफ मैप कहीं पे भी नहीं आता अच्छा तो इक्वे ऑफ द लॉजिक गेट्स होता क्या है इक्वे वैलेंस ऑफ द लॉजिक गेट्स होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्किट बनाना है फॉर एग्जाम्पल नैन नैन का आपको सर्किट बनाना है नैन नैन की बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है ए इंटू बी का होल बार ठीक है ए इंटू बी का होल बार इस नैन आपको इसका सर्किट है लेकिन आपके पास नैन की आईसी है ही नहीं ठीक है आपके पास नैन की आईसी है ही नहीं तो आप क्या करोगे तो इको बैलेंस ये कहलाता है कि आपको किसी का सर्किट बनाने लेकिन आपके पास वो वाली आईसी है नहीं तो कौन सी ऐसी दूसरी आईसी है जिनको आप इस्तेमाल करके वो वाले सर्किट्स बना सकते हो ठीक है तो अब बेसिक गेट्स का याद है मैंने बताया था बेसिक गेट्स तो ओ, बेसिक गेट्स वो होते हैं जिनको मिला के सारे गेट्स बनते हैं नैंड और नॉर जो हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट्स आते हैं और जोर और एक्सनॉर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक गेट्स आते हैं मतलब इनकी जोर और एक्स नोर की जो है अपनी कोई आईसी नहीं होती ये एक्सप्रेशन मिला के ही बनते हैं या इनकी आई होती होगी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है नहीं होती है इनकी आई होती है हाँ होती है लेकिन ये वाले जो है, ये हैं ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गेट कहलाते हैं और ये तीनों बेसिक गेट्स कहलाते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि नैन नॉर सौर और एक्सनॉर को कैसे बनाते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स अब नैन गेट क्या होता है आ, हमारा एंड गेट क्या होता है एंड गेट होता है ए इन टू बी नैन गेट क्या होता है ए इन टू बी का होल बार ठीक है तो बार कैसे लगता है इन्वर्टर से सिंपल एक एंड गेट यूज किया और उस एंड गेट की जो आउटपुट है उस पर इन्वर्टर लगा दिया आपका नैंड गेट बन गया ठीक है नॉर गेट को कैसे बनाना है और गेट यूज किया और गेट के आउटपुट पे एक इन्वर्टर लगा दिया तो आपका ये नॉर गेट बन गया अच्छा जोर गेट की ना वो होती है एक्सप्रेशन होती है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी ठीक है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी ठीक है ये इसकी एक्सप्रेशन होती है तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो ए इंटू बी बार ए लिया बी पे बार लगाया तो एंड गेट में ले लिया तो ये आ गया ए इंटू बी बार फिर ए बार इंटू बी ए पे बार लगाया बी ले लिया तो ये क्या बन गई एंड गेट क्या बन गया ए बार इंटू बी ठीक है इन दोनों को एक एक्स और सॉरी एक्स और, और गेट में लगा दिया तो ये आपका एक्स और गेट बन गया एक्स नॉर गेट एक्स नॉर गेट की एक्सप्रेशन एक होती है ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार दोन एंड गेट लग गए पहले एंड गेट में सिंपल ए और बी आ गया दूसरे एंड गेट में ए पे भी बाढ़ लग गया बी पे भी बाढ़ लग गया और इन दोनों की आउटपुट को एक और गेट में लगा दिया तो ये बन गया आपका एक्स नॉर गेट ठीक है तो बेसिक गेट से हमने ये चारों गेट्स बना लिया अब सवाल आता है कि आपके पास बेसिक गेट्स ही नहीं है बेसिक गेट्स ही नहीं है तो आप बेसिक गेट का सर्किट कैसे बनाओगे ठीक है सबसे पहले तो आ, सवाल आएगा कि हम तो बना ही नहीं सकते ठीक है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हम बिल्कुल बना सकते हैं ठीक है और गेट यूजिंग नैन ठीक है नैन गेट का इस्तेमाल करते हुए और गेट बनाना क्या किया है यहाँ पे इन्होंने इसकी लॉजिक मुझे थोड़ी सी अनक्लियर है लेकिन जहां तक मुझे समझ आए तो मैं समझा देती हूँ इन्होंने क्या किया है कि ए को लिया है और यानी कि एक इनपुट लिया है उसी को इनपुट को दूसरी इनपुट पे लगा दिया नैन गेट पे ठीक है यानी ए लिया और ए को ही बी भी बना दिया इन्होंने तो नैन क्या आया इसका ये नैन गेट है ठीक है ये नैन गेट है नैन गेट क्या आया बार आया आउटपुट में ठीक है बार आ गया आउटपुट में अब इन्होंने दूसरा भी यही किया है कि बार ले आए इन दोनों को इन्होंने एक और नैन गेट के अंदर डाल दिया नैन गेट क्या करता है बार ले आता है ठीक है तो जब ए बार को एक और बार लिया तो डबल बार जो है वो कैंसिल हो जाता है हाँ सही है आ जाओ दस मिनट में अच्छा अब देखो ये जो है इसी इनपुट को दूसरी ले लिया तो ये आपका रिजल्ट में आ गया बार बी के साथ भी एक किया ये आ गया बार ठीक है अब ये दोनों ए भी बार हो गया बी भी, भी बार हो गया अब नैन गेट में जब इनको दोबारा से लेके गए तो ये दो दफा बार आ गया यानी कि ए पे भी डबल बार लग गया बी पे भी डबल बार लग गया जब डबल बार लगता है ना तो वो सिंगल अल्फाबेट हो जाता है यानी कि बार जो है वो बार से कैंसिल हो गया बार जब बार से कैंसिल हो गया तो ये ए प्लस बी आ गया प्लस कैसे आया ये मुझे थोड़ा सा अनक्लियर है बाकी इतना मुझे पता है कि और गेट नैन गेट से इस तरह बनता है ठीक है अब और गेट यूजिंग नॉर गेट यूजिंग gate, ठीक है इन्होंने सिंपल और गेट नॉर गेट को यूज किया है और नॉर की आउटपुट को ही इन्होंने दोबारा से इनपुट बना के इस्तेमाल किया तो नॉर को जब इन्होंने इस्तेमाल किया तो वो ऑलरेडी बार में आया उसको इन्होंने दोबारा से इस्तेमाल किया तो वो उस पर दोबारा से बाढ़ लगे यानी कि डबल बार हो गया डबल बार कैंसिल होके ए प्लस बी आ गया ठीक है अब ये आ गया एंड गेट यूजिंग नैन गेट तो इसमें जो और पे अप्लाई किया है वो ही एंड पे अप्लाई किया है ए इंटू बी का बार फिर इसी आउटपुट को इन्होंने दोबारा से नैंड में डाल दिया तो डबल बार से कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया ए इंटू बी हो गया एंड गेट यूज किए हुए हैं जैसा ये था ना ये नैंड गेट से बनाया वैसे इन्होंने एंड भी ये नॉर गेट से बनाया है इसी इनपुट को दोबारा से ले लिया ये बार बन गया इसी इनपुट को दोबारा ले लिया ये बार बन गया इन दोनों को नॉर के अंदर किया तो ये डबल बार हो गया डबल बार कैंसिल हो, हो गया ए इन टू बी हो गया ठीक है अब नॉट गेट यूजिंग नैंड इसको एक ही दफा यूं किया तो ये बार आ गया नॉट गे, गेट यूजिंग नॉर इसी इनपुट को दोबारा इनपुट ले लिया तो ये बार बन गया <coughs> तो ये सारे इक्वे वैलेंस गेट बन गए अच्छा और भी इक्वेल गेट आते हैं ये लाइक अगर आपके पास लिमिट है कि आपको ज़ोर गेट बनाना है यूजिंग आपके पास सिर्फ एंड गेट है और नॉट गेट है और गेट नहीं है आपके पास तो फिर आप कैसे बनाओगे तो अगर आपको और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो इस लिंक को खोल के आप पढ़ लेना इसमें हर चीज लिखी हुई है ठीक है वो बहुत लंबा टॉपिक इसलिए है अगर आपको डीप में पढ़ना है तो पढ़ लेना वरना आई थिंक यहाँ तक इको काफ़ी है इनफ है ठीक है तो ये भी एक टॉपिक कवर हो गया अच्छा ये जो मैं बताई थी ना कि डबल बार कैंसिल हो जाता है ये ना बुलियन रूल्स होते हैं दिस ए प्लस जीरो ए ए प्लस ए इंटू जीरो ए इंटू वन इस ए ए इंटू एस ए इंटू बार इस वन ए इंटू एस ए तो ये सारे एल्स हैं तो अब ये देखो ये आ रहा है डबल बार आ रहा है इस पे ठीक है डबल बार इज इक्वल्स टू सिंगल वो मतलब बार कैंसिल हो जाता है तो ये वाला रूल मैं बता रही थी तो ये सारे बुलियन रूल्स हैं अब हो डोंट केयर कंडीशंस हाँ अच्छा डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं कि ये देखो ये है ना आपका वो है फोर बिट वेरिएबल का ना ये ट्रुट टेबल बना है तो इसमें क्या है कि हमारा जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले होता है ना उस सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का जैसे टीचर ने बताया था कि वो ज़ीरो से नाइन तक होता है ठीक है और बी सी डी भी वही होता है यानी कि जीरो से लेके नाइन तक होता है नाइन के बाद नहीं होता तो यहाँ पे भी ना वही चीज़ हुई हुई है कि जीरो से यानी कि डेसिमल देखो तो ये जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है नाइन तक उसने सारी वैल्यूज लिखी हुई है पूरा टेबल बना हुआ है लेकिन जब नाइन्थ से आगे आ रहा है ना टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस सब पे एक्स लगा हुआ है एक्स का मतलब क्या होता है एक्स का मतलब होता है डोंट केयर हाँ हाँ डोंट केयर का बी सी डी से लिंक है ठीक है जब यहां पे उसका जिक्र किया है तो बीसीडी हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला टॉपिक बीसीडी है तो उसमें पढ़ेंगे फिलहाल के लिए अभी इतना ही पढ़ते हैं कि सेवन्थ सेगमेंट डिस्प्ले की जो वैल्यू है वो जीरो से नाइन तक आती है ठीक है तो डोंट केयर कंडीशन जो है वो फिर क्या हो जाता है नाइन के बाद जो है वो डोंट केयर इसलिए है कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जीरो आ रहा है कि यहाँ पे वन आ रहा है क्या आ रहा है हमें नहीं पता अच्छा ट्रुथ टेबल तो पूरा बना हुआ है सिर्फ आउटपुट में क्रॉस आ रहा है ठीक है अब इसका हम कर्न ऑफ मैप बनाते हैं ठीक है इसका कर्न ऑफ मैप कैसे बनेगा हाँ ओके okay, सही है। अच्छा ये जो है अगर हम इसका डेसिमल नंबर देखें लाइक ज़ीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम यहाँ पे वन के ग्रुप्स बना रहे हैं ज़ीरो वन ये एट है सॉरी ये नाइन एट सेवन नाइन एट सेवन पे जो है वो वन वन लगा हुआ है ठीक है तीन है तो अगर इसकी हम डेसिमल वैल्यूज़ देखें ज़ीरो वन टू थ्री फोर five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. ठीक है जहाँ तक मुझे याद है इतना ही होता है तो एट नाइन एट और नाइन पे आ रहा है वन और आई थिंक इन्होंने ग़लत लिखा है यहाँ पे बना यहाँ पे बनाना चाहिए था यहाँ पे कैसे आ गया या मैंने कोई मिस्टेक की है पता नहीं चेक कर लेते हैं ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन 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 हाँ सही लगा है वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 चलो सही लगा है लेकिन इसकी जो डेसिमल वैल्यूज़ है ना उसी को देख के ये सारा लगा दिया और जहाँ पे क्रॉस आ रहा है ना वहाँ पे क्रॉस भी लगा दिया ठीक है ये सारे क्रॉस बन गए। अब इन क्रॉस से फ़ायदा क्या होता है <clears throat> इन क्रॉस पे फ़ायदा ये होता है कि जब ये हमारे किसी ग्रुप बना रहा हो ना तो हम इसको अपनी मर्जी से वन ट्रीट कर सकते हैं या फिर ज़ीरो ट्रीट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे वन कर सकते हैं यहाँ पे जीरो कर सकते हैं तो और एक्स क्रॉस से हमें यह फायदा होता है कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं ठीक है आप देखो यहाँ पे ये जो है ना वन वन ये सिर्फ इतना सा ग्रुप बन रहा था ठीक है दूसरा कलर यूज कर लेते हैं वन वन जो है वो इतना सा ग्रुप बन रहा था लेकिन डोंट केयर कंडीशन से ये इतना बड़ा ग्रुप बन गया ठीक है इतना बड़ा ग्रुप कैसे बना कि इन सारे एक्स को जो है वो हमने वन कंसिडर कर लिया वन कंसिडर कर लिया तो ये एक्स, ये वन भी ऐसे ही रहा था लेकिन ग्रुप से ये वन ऐसे ग्रुप बन गया ठीक है तो हम जो डोंट केयर होते हैं ना उसको अपनी मर्जी से वन कर सकते हैं या फिर जीरो कर सकते हैं और वन और जीरो करके उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं ठीक है ये ग्रुपिंग हो गई अब अब जो है एक और बात आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चारों एक्स हैं हमने अपनी मर्जी से इनको वन कर दिया और उसका ग्रुप बना दिया नहीं ऐसा नहीं कर सकते ये रॉन्ग है हम इसको ग्रुपिंग में क्रॉस को तभी लेते हैं जब हमारे किसी वन के साथ हमें ग्रुप बनाना होता है प्लेनली हम सारे एक्स को अपनी मर्जी से वन कंसिडर करके ग्रुप नहीं बना सकते ये जब तक किसी के साथ ग्रुप ना बने तब तक इसको ग्रुप नहीं बना सकते ठीक है ये वाली बात टीचर ने भी लास्ट क्लास में कही थी कि सारे एक्स को अपनी मर्जी से करके कभी भी ग्रुप नहीं बनाना हमेशा जो है वो इसको आ, देखते हुए ग्रुप बनाना कि ये वन के साथ बन रहा है तो ही बनाना वैसे नहीं बनाना डोंट केयर कंडीशन इतनी ही है इससे आगे नहीं है आ, अच्छा एक काम करते हैं फंक्शन एक लास्ट टॉपिक पढ़ते फिर इसके बाद आई थिंक कल पढ़ लेते हैं या रात में थोड़ा ब्रेक देके पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया अच्छा ये हैं फंक्शंस फंक्शंस बेसिकली किस तरह से होते हैं इस तरह से दिखाए जाते हैं तो जहां तक टीचर की बात समझ आई थी उन्होंने कहा था कि फंक्शंस जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं वैसे ही इसके अंदर भी सेम वैसे ही फंक्शंस होते हैं इसको एफ एक्स भी कहते हैं और यह वाईजिक्वल्स टू एक्स आ जाता है कभी एक्स स्क्वायर आ जाता है तो इसको हम बनाते किस तरह है ठीक है अब ये देखो सवाल दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर ट्रुट टेबल इसका जो है ट्रुट टेबल बनाना है एक्स जो है वो थ्री बिट इनपुट वेरिएबल है ठीक है यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल नहीं मिला हुआ लेकिन उसने मेंशन किया है कि ये थ्री बिट इनपुट वेरिएबल है यानी कि ए बी सी फिर उसने कहा है कि डिजाइनर कार्न मैप फॉर दी ट्रू टेबल यानी कि ट्रुट टेबल देखते हुए कार्न मैप बनाओ ऊपर जो वो हम कर रहे थे वो क्या कहते हैं हम एक्सप्रेशन से कर्न ऑफ मैप बना देते हैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं तो वो कह रहे है कि ट्रुट टेबल से कर्न ऑफ मैप बना उसको मिनिमाइज करो और फिर उसका सर्किट बनाओ अब इसका ट्रुट टेबल बनता कैसे है ठीक है उसने क्या लिखा था थ्री इनपुट है ठीक है हमने सबसे पहले इनपुट ले ली तीन थ्री इनपुट कितना बनता है एट बिट का बनता है ठीक है चार ज़ीरो चार वन दो ज़ीरो दो वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन ठीक है ये बन गया अब उसके अलावा जो है इसका डेसिमल डेसिमल में हमें हमेशा पता है जीरो से स्टार्ट होकर सेवन तक चलता है इन सारे बॉक्सेस को इग्नोर कर लो दो सेकंड के लिए ठीक है अब समझो ये वाला बॉक्सेस हैं ही नहीं इधर हमें क्या काम करना है ये जो एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे हमने क्या दिया है वो सारी डेसिमल वैल्यूज को एक्स इज ईक्स टू करके हमने उसको डेसिमल वैल्यूज दे दी अब यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है ना जहाँ ये जो एक्स आ रहा है ना एक्स की जगह हम ये सारी डेसिमल वैल्यूज लिख देंगे ठीक है वाई इज ईक्व टू ज़ीरो स्क्वायर इज ईक्स टू ज़ीरो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर टू थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन अब ये जो आपकी लास्ट वैल्यू आती है ना ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आती है पूरे टेबल की ठीक है इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो फोर्टी नाइन है ना इस फोर्टी नाइन को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फोर्टी नाइन का बाइनरी क्या बनेगा टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू थर्टी टू से बड़ा नंबर क्या होता है सिक्सटी फोर ये शॉर्ट वे होता है डेसिमल टू बाइनरी का थर्टी uh, टू से बड़ा नंबर होता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फ़ोर लेकिन इससे बड़ा नंबर है हमें इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें या तो इसके इक्वल या फिर इससे छोटा नंबर चाहिए छोटा नंबर क्या है इससे थर्टी टू तो हम थर्टी टू टू तक रुक गए अब फोर्टी नाइन को हम कन्वर्ट करेंगे सही थर्टी टू के नीचे वन लिखा थर्टी टू प्लस सिक्सटीन थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इज़ फोर्टी एट ठीक है एट पे ज़ीरो आ गया फ़ोर पे ज़ीरो आ गया टू पे ज़ीरो आ गया वन पे वन आ गया थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोटी एट प्लस वन इज फोटी नाइन अब ये कितना बन रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बिट बन रहा है अब ये जितना बड़ा हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है ना लास्ट इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में जितना ही क्या ये बिट का बनता है ना उस बिट का मतलब है कि हमें इतने कॉलम्स चाहिए ये सिक्स बिट बनाए तो इसका मतलब है कि हमें सिक्स कॉलम्स चाहिए ठीक है थीके? अब इस उस पर सेक्शंस पे आ जाओ ठीक है अब इन सेक्शंस का ना मैं काम करती हूँ ये डिलीट कर देती हूँ अच्छा अब इसको गौर से देखो कि सिक्स बनाना है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट कहां से होता है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री फोर फाइव इसके ऊपर हम लिख देंगे वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू ये ना बस हमें काउंटिंग करने में इससे आसानी होती है अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है ना ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है ज़ीरो ठीक है तो ज़ीरो हमारा कुछ नहीं होता यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे ज़ीरो 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 ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वन वन कहाँ आता है इस वाले कॉलम में हमारे पास वन आता है बाकी सारे ज़ीरो होगा अब यहाँ पे क्या आ रहा है फोर आ रहा है फोर हमारा सिंपली इस कॉलम में आता है बाकी ये सारे जीरो हो गए नाइन यहाँ एट आ गया एट प्लस वन एस नाइन बाकी जीरो हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन हमारा सिंपल यहाँ पे आ गया सिक्सटीन बाकी हमारा जीरो हो गया ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फ़ाइव हमारा आ गया सिक्सटीन प्लस एट इज़ ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फ़ोर प्लस वन इज़ ट्वेंटी फाइव उसके अलावा सब ज़ीरो जीरो ज़ीरो थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स में थर्टी टू थर्टी टू में हमें चार नंबर फोर डाल दिया तो ये बन गया सिक्सटी थर्टी सिक्स बाकी ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो फोर्टी नाइन तो यह हमारे पास आ गया थर्टी टू प्लस सिक्सटीन थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इज फोर्टी एट प्लस वन इज फोर्टी नाइन ये हमारा बन गया बाइनरी ठीक है तो ये हमारा ट्रुट टेबल रेडी है अब इस ट्रुट टेबल से कार्ड ऑफ मैप कैसे बनाएंगे एक एक सेक्शन को देखते हुए कार्ड ऑफ मैप बनाएंगे यानी कि वाई नॉट के लिए अलग बनेगा वाई वन के लिए अलग बनेगा टू के लिए अलग थ्री के लिए अलग फोर के लिए अलग और फाइव के लिए अलग सबके लिए अलग अलग बनेंगे कार्नो ऑफ में सबसे पहले वाई नॉट को देखें तो यहाँ पे वन किस पे आ रहा है सॉरी ए बी सी ए बी सी बार पे वन लगा दिया और ए बी सी पे वन लगा दिया ग्रुप बना दिया ये आ गई इसकी मिनिमाइज़ सॉप अच्छा मेंशन जरूर करना कि ये वाइन नॉट की है फिर वाई वन वाई वन का हमने यहाँ से देखा पूरा और यहाँ पे इसकी कर दी इसी तरह से वाई टू वाई थ्री वाई फोर अच्छा वाई फोर ना ये सब ज़ीरो है ये वाई फोर पे सब ज़ीरो है कुछ भी नहीं आ रहा तो वाई फोर हम ऐसे ही ज़ीरो लिख देंगे वाई फोर इज इक्स टू ज़ीरो वाई फाइव आ गया वाई फाइव में सी बचा और ये हमारी कंप्लीट हो गई अब इसको देखते हुए हम बनाएंगे अपनी सर्किट डायग्राम अब सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी बनेगी तो सबकी एक ही में लेकिन इन सब के डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आएंगे यानी कि छः आउटपुट्स आएंगी पहला हमारी आई थी ए बी तो ए इंटू बी सिंपल एंड गेट है ए इंटू बी कर दिया ये आ गई दूसरी हमारी बनी थी ए अच्छा दूसरी का मैं एक मिनट बताती दू यहाँ पे ना कॉमन लिया गया है ये yeah. एक्सप्रेशन आई थी ए सी प्लस ए बी बार इसमें क्या किया ए को कॉमन ले लिया और सी प्लस बी बार को ऐसे लुक दिया ठीक है ए सी प्लस ए बी बार यानी कि दो एंड गेट है तो यहाँ पे बी बार लगा दिया बी बार अच्छा इसको सिंपल इन्होंने ऐसे किया हुआ है ठीक है तो इन्होंने नहीं वैसे मैंने ही बनाया है तो इसमें आ गया बी बार प्लस सी और फिर ए इस तरह से ले लिया तो यह बन गई ए इन टू सी प्लस बी बार वाई टू ये बन गया ठीक है अच्छा जोर जो होता है ना ये यह गेट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जोर गेट की क्या होती है ए बार बी प्लस ए बी बार है या फिर ए बी बार प्लस ए बार बी तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल गेट लगा दिया गेट और सी था तो सी लेके कर कर दिया तो ये पूरी एक्सप्रेशन बन गई वाई थ्री आ गया अच्छा वाई फोर नहीं लिखा हुआ वाई फोर क्यों नहीं लिखा हुआ क्योंकि वाई फोर जीरो था अब वो जीरो था तो उसका कुछ लिख तो सकते नहीं है तो इसलिए वाई फोर नहीं लिखा वाई फाइव का आंसर सी था तो यहाँ से सी की एक लाइन ले ली तो ये हो गया ठीक है तो ये है फंक्शंस का टॉपिक जो हमारा असाइनमेंट नंबर टू है ना असाइनमेंट नंबर टू फंक्शंस पर है जिसके अंदर लैब में ये वाला सवाल किया है हमने और इसके अंदर ना फिर एक सवाल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इन सारे ये जो आंसर आएंगे ना सब में प्लस वन कर देंगे ठीक है प्लस वन कर देंगे और फिर उसका मोस्टली इसी तरह का बनेगा इसी तरह का कॉर्न ऑफ है और इसी तरह की मिलती जुलती डायग्राम है इसमें दूसरा सवाल है एक्स क्यूब एक्स क्यूब बहुत बड़ा है अगर फंक्शंस की प्रैक्टिस करना हो ना तो एक्स क्यूब वाला सवाल जरूर करना विद डायग्राम टीचर ने डायग्राम्स उसकी ऑप्शन रखी हुई है लेकिन बनाना जरूर उससे डायग्राम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा इसकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फंक्शन की आ, मैंने जो अभी कराया है वो मैंने एक्स स्क्वायर वाला करवाया है वाई इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर मेरे पास रखा हुआ है असाइनमेंट अगर चाहिए हो तो बता देना एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स क्यूब वाला दोनों रखे हुए हैं तो ये इसका वो है आ, न, असाइनमेंट है असाइनमेंट कर लो प्रैक्टिस हो जाए इसके जो एक्स क्यूब है ना उसकी डायग्राम जो है वो तीन पेज में आई है तो बहुत बड़ी डायग्राम है लेकिन उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है तो वो चेक कर लेना अच्छा दो रहते हैं एक है कंपेरेटर्स और दूसरा कोड कन्वर्टर्स तो ये हम कल कर लेते हैं या अगर बोलो तो एक घंटे बात कर लेंगे क्योंकि अब सभी की मेरे ख्याल से प्रैक्टिस नहीं करना है प्रीवियस सारी चीजों की हैं

कार्नाव uh, मैप ड्रॉप कर, करना आ जाएगा और उसके अलावा फंक्शंस वाला टॉपिक हो जाएगा ठीक है क्या क्या रह जाएगा ठीक है uh, अभी कोड कन्वर्टर्स और अगर हम लोग कल सभी यूनिवर्सिटी में आते तो कल यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ लेंगे डन हो गया मेरा तो होना ठीक है चलो बस अब कल मिलते हैं मेरी भी पढ़ा बोल बोल के गले में दर्द हो गया चलो हां ब्रेक लो ओके सही है, uh, कल की टाइमिंग पे कल ही डिसाइड कर लेंगे। ओके। ओके, लाफ़ेस। टेक केयर।